नेम्स तो जब हम फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं तब आप इक्वल टू लिखोगे, जब आप उसको एज अ फंक्शन यूज कर रहे हो कोल नेम्स को, तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करोगे, राइट? इसका क्वेश्चन था ये, खुशी का। यस खुशी, मैम, मेट्रिसेस में जब हमने डायरेक्टली भी कोल नेम्स या रो नेम्स यूज़ किया था तो हमने इज इक्वल टू लिखा था, असाइनमेंट ऑपरेटर तो नहीं यूज़ किया था। नहीं। फंक्शन में मैम, जैसे कि हमने पहले मेट्रिसेस मतलब एक मैट्रिक्स बनाया और उसके बाद हमने अगर कॉलम नेम्स और रो नेम्स बनाए मे तो भी ठीक है, मे भी उसमें मे भी नहीं, बट सी मैंने शायद एक क्लास में बोला था कि व्हेन यू यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर उसके बदले आप इक्वल टू भी यूज करोगे तो चलेगा, बट मैंने बोला था स्पेसिफिकली कि हम यूज नहीं करेंगे, वी ऑलवेज यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसा हो सकता है कि उस समय में भी मैंने इक्वल टू यूज कर लिया हो क्लास में, या फिर असाइनमेंट में इक्वल टू है, बट जब भी आप एज अ फंक्शन यूज करते हो यू ऑलवेज हैव टू यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके। सो जस्ट वन सेकेंड, आई विल शेयर माई स्क्रीन, एंड किसी और को कोई भी डाउट है, पार्ट 5 में डाउट है, आई विल चलो, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? जस्ट गिव मी वन सेकेंड। यस, इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके, तो डेटा फ्रेम्स असाइनमेंट में आई थिंक किसी ने म्यूट नहीं किया है, प्लीज एवरीवन कीप योर सेल्स ऑन म्यूट। डेटा फ्रेम, यस टेल मी, इसमें क्या डाउट है? डिस्प्ले ऑल द डेटा एक्सेप्ट द कलर्स, सो ऑल द डेटा एक्सेप्ट द कलर्स, मतलब ये वाला कॉलम छोड़ के आई वॉन्ट द एंटायर डेटा, राइट? राइट, इसको डाउट आ रही थी। संचित, यस संचित बोलो, इसमें क्या डाउट है? संचित प्लीज अनम्यूट करके बोलो, उसमें क्या डाउट है? यू विल मैम, ये जस्ट करना कैसे है? कैसे करोगी? ये वाला खाली कॉलम अगर हटाना होता है तो हम कैसे इंडेक्सिंग में लिखते हैं? ऑल रोज -2, ऑल रोज एंड कॉलम में -2, अब सिंपल। नेम्स का यूज करके नहीं कर सकते इसमें, तो हाँ हम वैल्यू डालेंगे। अगर हमें रिमूव करना है, माइनस यूज करना है, तो फिर हम कोई नंबर डालेंगे कि ऑल रोज माइनस सेकेंड कॉलम। लेकिन हाँ अगर हमें नेम का यूज करना है, कलर वर्ड का यूज करना है, तब कैसे करेंगे? माइनस कलर एक्चुअली हम कर नहीं सकते, तो उसके लिए ना एक फंक्शन होता है, विच फंक्शन। अगर आप, सो बेसिकली योर क्वेश्चन इज, अगर हम लोग को नहीं पता कि कॉलम्स कौन सा, कलर्स कौन सा कॉलम नंबर है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट? मतलब ये इसीलिए हम लोग नेम्स यूज करते हैं, दिस इज योर इसको उसमें विच क्वेश्चन, फंक्शन यूज कर सकते हैं? करेक्ट? तो यहाँ पे अभी होता क्या है, देखो अगर तुमको रिमूव करना है, सो विच फंक्शन होता है जो हम लोग आगे सीखेंगे अभी, मे बी आज या कल। सो कार्स और रोज माइनस, एंड ये अगर मैं लिखूँ कलर्स, कैपिटल सी लिया था ना कलर, अगर मैं ऐसे लिख के इसको रन करूँ, सो आई विल नॉट गेट द सोल्यूशन, इससे आंसर नहीं आएगा, बिकॉज
हम लोग जब नेम यूज करते हैं तो हम लोग उसके साथ जनरली माइनस नहीं यूज कर पाते, ठीक है? तो ये जब हम लोग नेम यूज करते हैं उसके साथ हम माइनस नहीं, माइनस इज ऑलवेज यूज्ड विद द नंबर्स, द पोजिशंस, तो ये वाला चीज हम नहीं कर सकते, तो हमें यही करना पड़ेगा। नाउ इफ वी डोंट नो कि कलर कौन सा कॉलम नंबर है, सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी यूज अ विच फंक्शन, एंड वो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है? ओके थैंक यू। ओके इसमें और कोई डाउट है किसी को? यस खुशी, बाय वी गेट फॉल्स फॉर इज डॉट इंटीजर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला था, ऑल द नंबर्स आर स्टोर्ड एज न्यूमेरिक्स, ऑल द नंबर्स आर स्टोर्ड एज न्यूमेरिक्स डबल, तो अगर आप इज डॉट इंटीजर 5 करोगे सो यू विल गेट अ फॉल्स बिकॉज दिस इज डबल, तो अगर इसका हम लोग ऐसे ले लें, या फिर अगर आप लोग, तो ये ट्रू आएगा। देखो बाय डिफॉल्ट ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर स्टोर्ड एज डबल, इंटीजर में चेंज करने के लिए हैव टू यूज एल, अगर हम इसको रन करें तो भी ट्रू आएगा। क्लियर है यश? इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके ग्रेट, चलो वी मैम मूव। यस मैम मुझे इस असाइनमेंट में नहीं, एक्चुअली ड्राइव पे जो वीडियो है डेटा फ्रेम्स का, उसमें आपने एक एग्जांपल लिया था जिसमें फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट वाज अ नंबर 1, सेकेंड एलिमेंट वाज अ टेक्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट वाज द नंबर 2, और उसके जब लेवल्स आ रहे थे तो वो 3, 2, 1 लेवल्स आ रहे थे। मैम वो अल्फाबेटिकली क्यों नहीं अरेंज हुआ? क्या क्या लिया था मैंने? 1, बीच में कोई एक टेक्स्ट था, कोई आई ठीक गेस है, यू कैन राइट, कुछ भी हाँ, डजंट मैटर, और फिर फिर 2 था, तीन और क्या होते इसके हैं? लेवल्स 3, 2, 1 आ रहे थे। 3, 2, 1 तो नहीं आया होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, एक बार ध्यान से चेक करो। सी यस इफ, मैम, मैम जैसे हाँ 1 इज हाँ ओ एन ई, फिर 2 इज TWO, तो पहले अच्छा, मैंने पूरा वैसे लिखा था क्या? नहीं, आपने वैसे लिखा नहीं था, बट आपने वैसे समझाया था कि ओ एन ई होता है तो ओ पहले आना चाहिए और फिर TWO है तो T बाद में, बट वो वैसे आया नहीं था, 3, 2, 1 आया था लेवल। तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर भेजो तो बेटर रहेगा। ठीक है मैम, सी मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है, सी बट होता क्या है, हम लोग जब मैंने डेटा फ्रेम्स करवाया है तो मैंने बोला कि एक कॉलम में वी कैन जस्ट पुट इन वन सिंगल टाइप ऑफ डेटा, अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ डेटा आप डालते हो एक कॉलम में सो इट कोर्सेस इनटू अ सिंगल, एंड मैंने ये भी बताया था कि पहले वो चीज था, इसीलिए मैंने बोला है कि पहले का मत देखो, क्योंकि पहले क्या होता था कि एवरीथिंग यूज टू चेंज इनटू फैक्टर, तो जहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग वेरिएबल्स मिलेंगे दैट विल चेंज इनटू अ फैक्टर, अभी वैसा नहीं होता है, अभी इट ओनली चेंजेस टू अ कैरेक्टर, राइट? सो दैट इज वन थिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन खुशी पूछ रही है दैट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डेटा फ्रेम्स, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्टर्स, कि वो लेवलिंग वैसा क्यों हो रहा है। नाउ उससे हमें बॉदरेशन नहीं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मुझे वह भेजो कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या लिया था चैट बॉक्स में, सो आई कैन क्लैरिफाई इट बेटर, ठीक है? किसी और को कोई भी डाउट है और वी कैन मूव अहेड। ओके चलो, सो वी कैन स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक्स। हमारा एक क्लास, तो ये हम कर रहे थे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इफ यू ऑल रिमेम्बर, लेट मी ओपन दैट पीपीटी फॉर यू ऑल। तो हम कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? जिसमें हमने देखा था देयर आर वेक्टर्स, फैक्टर्स, मैट्रिक्स, वेक्टर्स हमने कर लिया,
फैक्टर्स हमने कर लिया, मैट्रिक्स हमने कर लिया, डेटा फ्रेम्स वी हैव डन, लिस्ट्स वी हैव डन, एरेज वी हैव डन. द थिंग विच वी हैव नॉट डन इज अ फंक्शन. नाउ व्हाट इज अ फंक्शन, ये हम लोग आज सीखेंगे. फंक्शंस अभी तक आपने जितना भी किया है दोज वर ऑल द इनबिल्ट फंक्शंस. नाउ व्हाट आर द इनबिल्ट फंक्शंस, सपोज मैं बोलूं इधर कि inbuilt functions. Now what are these inbuilt functions when we talk about sum of 2, 3? So ye ek function hai jo R mein already hai, right? Maine banaya nahi hai, this is already there in R. Similarly aapka main function hota hai, log function, these are the different functions which are already there in R. But what if aapko koi khud ka function banana hai, aisa function jo R mein inbuilt nahi hai, आपको वो मे बी बार 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 उसको यूज करना है, तो उसके लिए यू हैव टू क्रिएट योर ओन फंक्शन. तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन. अब इसमें क्या होता है, इसमें वी क्रिएट आर ओन फंक्शन विथ आर ओन इनपुट्स. अब ये बात ध्यान से सुनो, जब भी कोई फंक्शन होता है उसके अंदर हम क्या देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, राइट? उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं. नाउ दीज आर्ग्यूमेंट्स, देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर नेसेसरी टू पुट इन एंड सम आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर नॉट नेसेसरी टू पुट इन. इन द सेंस, अगर मैं सम के अंदर कुछ भी नहीं डालू एंड मैं इसको रन करूँ, कोई मीनिंग नहीं है, जीरो आ रहा है, राइट? बट मुझे कोई वैल्यूज इसके अंदर डालने पड़ेंगे. हर फंक्शन में कुछ, जैसे कि हमने फैक्टर फंक्शन किया था, जब हमने अपने वेक्टर को फैक्टर में चेंज किया था, तो उसमें देयर वर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स लाइक लेवल, और क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, लेवल्स, लेबल्स, ये ऑर्डर. तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे ये हम हमेशा पास नहीं कर रहे थे, दीज वर नॉट नेसेसरी. तो वैसे ही हर फंक्शन में देयर इज सम कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स, देयर आर सम टेम्पररी और नॉट सो कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स. देन द अदर थिंग इज, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिफॉल्ट होते हैं. What do you mean by default arguments? जैसे जब हम लोग कर रहे थे डेटा फ्रेम में, मैंने या फिर मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में एक आर्ग्यूमेंट था बाय रो, याद है सबको, बाय रो. तो बाय रो बाय डिफॉल्ट इट वॉज फॉल्स, है ना? कॉलम वाइज हमारा सारा वैल्यूज पॉपुलेट होता है, कॉलम वाइज सारा हमारा वैल्यूज पॉपुलेट होता है मैट्रिक्स में. तो बाय रो क्या दिया हुआ था, फॉल्स दिया हुआ था डिफॉल्ट. तो उसको अगर आप बाय रो ट्रू करोगे तो फिर रो वाइज पॉपुलेट होगा. सो दीज आर द डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी कि देर आर सम आर्ग्यूमेंट्स जिनका वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ रहता है. कीपिंग दीज टू थिंग्स इन माइंड वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग आवर ओन फंक्शंस. एंड दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो लोग आगे व्हेन वी आर डूइंग यू नो any data analysis or any data manipulation or when we talk about exams जो आप लोग के होंगे, उसमें आप लोग को function काफी use करना पड़ेगा, user defined function. आज के लिए class में we'll take some basic examples, दो तीन basic examples से समझते हैं कि function बनता कैसे. Now function का एक particular structure होता है, ठीक है? इसका structure क्या होता है, first you give the name of the function, जो भी आपको उस function के name को बुलाना है. Suppose when we say sum function, सम फंक्शन क्या होता है कि सम क्या है, सम इज द नेम यू हैव गिवन टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन. जैसे कि फैक्टर, फैक्टर इज द नेम यू हैव गिवन टू दैट फंक्शन. डेटा, डेटा डॉट फ्रेम, डेटा डॉट फ्रेम इज द नेम ऑफ द फंक्शन. तो आपको फंक्शन का क्या नाम देना है वो, एंड देन दिस इज द इंटायर फंक्शन का स्ट्रक्चर जो हम लोग करते हैं. इसको ध्यान से समझो, फर्स्ट यू राइट फंक्शन कीवर्ड बताने के लिए आपको कि आपको फंक्शन लिखना है. इसके अंदर यू गिव ऑल द पैरामीटर्स. नाउ व्हाट आर दीज पैरामीटर्स, सम के अंदर, सम फंक्शन में हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2, 3, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन जो यूज होता है टू कैलकुलेट द आउटपुट, ठीक है? पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स आर द थिंग्स व्हिच आर यूज्ड टू कैलकुलेट द आउटपुट. देन ये देखो, ये है फर्स्ट ब्रैकेट में, देन यू ओपन द सेकेंड ब्रैकेट. सेकेंड ब्रैकेट के अंदर में यू गिव द फंक्शन बॉडी. And what do you mean by function body? Function body is कि आपका जो ये parameters आप as a input ले रहे हो, इस parameters को आपको कैसे use करना है to get the output. And then last में return the output. Now what is the return function? This is exactly like the print function. हम return क्यों बोलते हैं generally functions में,
क्योंकि जब आप फंक्शन लिख रहे होते हो या बना रहे होते हो तो आप यू रिटर्न आउटपुट, इनपुट आते हैं एंड यू रिटर्न आउटपुट, सो इट्स लाइक दैट, इट एक्ट्स लाइक दैट, रिटर्न फंक्शन. ये जनरली यूज होता है हमारे फंक्शन के अंदर ही. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेंगे बहुत बेसिक सा, उससे क्लियर होगा एंड देन वी ऑल्सो मूव इन टू सम गुड एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन, आई एम क्रिएटिंग अ सम फंक्शन ही एंड मैं नाम दे रही हूँ माई सम. ठीक है, मैं सम नाम मत दे देना, ट्राई टू अवॉइड गिविंग नेम्स, दीज नेम्स विच आर ऑलरेडी देयर, यानी कि मीन, सम, राउंड, सीलिंग, ये सब जो हमने अभी तक फंक्शन देखा है, ये फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है. ट्राई टू अवॉइड यूजिंग द सेम नेम्स, क्योंकि उससे क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा, तो ये चीज हमें अवॉइड करना है. राइट, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे माय सम एंड इसमें आई विल क्रिएट अ फंक्शन, मैं लिखूंगी फंक्शन एंड देन विद इन द फर्स्ट ब्रैकेट आई विल गिव माय पैरामीटर्स. अभी के लिए आई विल जस्ट टेक इट एज एक्स एंड वाई, क्योंकि अभी हम फंक्शन का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम फंक्शन बना रहे हैं, तो अभी से ही हम कोई इनपुट नहीं दे देंगे, वी विल हैव टू स्पेसिफाई द इनपुट लेटर. ठीक है, जो हम लोग उसको यूज करेंगे, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ फंक्शन अभी. देन मैंने ये वाला सेकेंड ब्रैकेट किया, राइट, अब इसके अंदर आई विल गिव माई बॉडी ऑफ द फंक्शन. वॉट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, सपोज मुझे निकालना है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एंड देन आई हैव टू रिटर्न द वैल्यू. समझो होगा क्या, अब इस फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज लोगे एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे उसको यूज करोगे एक्स प्लस वाई एंड देन यू विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ जेड. जेड इज अगेन अ स्मॉल वेरिएबल विच वी हैव क्रिएटेड विद इन द फंक्शन. अगेन यहाँ पे हम इक्वल टू क्यों यूज करें, क्योंकि जब आप कोई फंक्शन के अंदर लिखते हो तो आप इक्वल टू यूज कर सकते हो, आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करना होता है. क्लियर है, इसको रन करते हैं. द मोमेंट वी रन दिस, देखो यहाँ पे डेटा और ऐसे करके हमारे थे ना बहुत सारे वैल्यूज. नाउ एक और चीज आ गया फंक्शन, एक और सब हेडिंग आ गया हमारी ग्लोबल एनवायरनमेंट में फंक्शन. ठीक है, अब इसमें क्या है, माय सम एंड दिस फंक्शन यू हैव क्रिएटेड. अब इसको यूज करते हैं, जैसे ही मैंने माय सम लिखा, जैसे बाकी फंक्शंस के लिए होता है, देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, एक्स कॉमा वाई, which means this is a function which has been recognized by R. Clear है सबको ये चीज? अब इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, x और y, तो मैं पास कर रही हूँ 5, 6, I'm getting 11. Clear? Similarly, let us try to do something यहाँ पे. मैं खाली 3 लिखती हूँ, चलो instead of 5 + 6 मैं खाली 3 लिखती हूँ इधर. And इसको रन करते हैं. एरर, व्हाट इज द एरर, आर्ग्यूमेंट y इज मिसिंग विथ नो डिफॉल्ट. इसका क्या मतलब है, आपने y मेंशन नहीं करा एंड यहाँ पे भी y का कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है. सो टू कैलक्यूलेट x, आई वॉन्ट x प्लस y एक्सप्लिसिटली. अगर आप उसको नहीं मेंशन करोगे तो z का कैलकुलेशन अधूरा हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिटर्न z. So either you need a default value for this, right? Or give me a proper value of y. ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है? थम्स अप दे दो जल्दी से. ग्रेट, तो अब हम लोग यहाँ पे, अब ये एक चीज हुआ कि हमें दोनों आर्ग्यूमेंट्स देने, क्योंकि दोनों यहाँ पे कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स है. कंपल्सरी क्यों है, क्योंकि इसका कोई डिफॉल्ट मैंने अभी तक असाइन नहीं किया. अब देखो अगर मैं ऐसे लिखू, नाउ लेट मी गिव मोर देन टू पैर, संचित आई वाज गोइंग टू डू दैट ओनली. नाउ लेट मी गिव मोर देन टू पैरामीटर्स एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स हमारा, ये हो जाएगा वाई हमारा. अच्छा यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर भी सकते थे एक्स इक्वल टू एंड वाई इक्वल टू, यू कैन मेंशन इट और यू कैन नॉट, इट्स द सेम थिंग. पहला आर्ग्यूमेंट एक्स ले लेंगे एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट वाई ले लेंगे. अब यहाँ पे देखो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, व्हाट अबाउट दिस? अब इसको रन करते हैं. अनयूज्ड आर्गुमेंट 5, ये किधर यूज करें, राइट? इसको कहाँ यूज करें?
इस वाले को कहाँ यूज करें, देर इज नो स्कोप टू यूज दिस एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट इन माई फंक्शन विच आई हैव क्रिएटेड, क्योंकि मैंने खाली कितना का स्कोप दिया, खाली दो वैल्यूज का मैंने स्कोप दिया. तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, कैन वी क्रिएट अ वेक्टर इंस्टेड ऑफ दिस, कैन वी क्रिएट अ वेक्टर, सपोज मैंने लिख दिया 3, वेक्टर के अंदर लिख दिया 4, 5, कैन वी डू दिस, लेट्स ट्राई, यस वी कैन डू दिस. बट अगेन देखो हुआ क्या है, ये मुझे समझा सकते 7 और 8 क्यों आ रहे हैं, कोई भी समझा सकते है इसको, अगर आप मुझे समझा. यस महक, यस महक, हम 3, 4 के साथ रन हुआ पहले एंड देन 3, 5 के साथ. गुड, तो यहाँ पे y की जगह में क्या हमने ले लिया, ये वेक्टर. तो जब आप एक वेक्टर के साथ एक नंबर ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 एंड देन 3 + 5, सो यू विल गेट अ, यू विल गेट एन आंसर एज अ वेक्टर. क्लियर है ये चीज, क्लियर है सबको? इसमें रिसाइकलिंग का कोई मतलब नहीं है, देयर इज यू विल नॉट यूज द वर्ड रिसाइकलिंग यहाँ पे, इट्स अ सिंपल वेक्टर ऑपरेशन. हमने किया ये जब हम वेक्टर्स पढ़े थे इन द वेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास, ये एक सिंपल वेक्टर ऑपरेशन, दैट्स इट, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रिसाइकलिंग यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द केस. नाउ इसी में एक और थोड़ा हम लोग इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं. नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, इस फंक्शन को हम कॉपी करते हैं. अब एक चीज हमने देखा कि हमें हमेशा ये y वाला चीज चाहिए, वी कैन नॉट गिव मोर देन 2 arguments यहाँ पे, बिकॉज मैंने उतना लिया ही नहीं है यहाँ पे. आपको y और x दोनों मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स है. एंड देन एक चीज और जो हम लोग बात कर रहे थे कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, क्या आप कोई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स सेट कर सकते हो? ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कोई भी एक वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट, अगर द यूजर ऑफ द फंक्शन अगर वो नहीं लिखता है एक्स का या फिर वाई का वैल्यू किसी का भी, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे वो हमें बताना है. सो लेट मी टेक वाई इक्वल टू 2, ठीक है, वाई इक्वल टू 2 एंड इसको रन करते हैं, इसको कर देते हैं माई सम 1 या फिर खाली माय सम रहने, तो माय सम 2 कर देते हैं, माय सम 2 कर देते हैं, इसको रन करते हैं. सो वी हैव क्रिएटेड अ न्यू फंक्शन एंड फंक्शन देखो कैसे आ रहा है, एक्स वाई इक्वल टू 2, मतलब कि वाई का डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर दिया 2. अब मैं इसको रन करती हूँ माय सम 2 एंड एक्स का वैल्यू मैं ले लेती हूँ 4 एंड लेट मी जस्ट रन इट दिस वे, देखते हैं क्या होगा, क्या मिल रहा है, 6. सो बाय डिफॉल्ट पहले क्या आ रहा था, एरर आ रहा था, पहले यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा था कि हमने एक आर्ग्यूमेंट डाला ही नहीं, यहाँ पे भी एरर आ रहा था कि हमने एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स यूज किए, बट यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर. व्हाई? बिकॉज ये जो इसका वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट हमने सेट कर दिया 2, तो अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, 2 एक्स प्लस 2, 4 + 2 विच इज 6, ठीक है. एक और चीज ले लो, व्हाट इफ मैं अगर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना चाहूँ, यस कर सकते हो 10 आ रहे हैं, तो अभी 2 नहीं लिया जाएगा. अब मैंने अगर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दिया है 6, तो ये 2 नहीं लिया जाएगा, 4 + 6 ही कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके, ग्रेट. तो दिस वाज अ वेरी बेसिक फंक्शन व्हिच आई क्रिएटेड, जहां पे मैंने खाली एक छोटा सा इसमें ऑपरेशन डाले. नाउ आई विल गिव यू वन असाइनमेंट, क्लास में आपको करना है अभी. आपका टास्क है कि मैं आपको एक नंबर दूंगी या फिर एक वेक्टर दूंगी, व्हाटएवर, वन सिंगल इनपुट दूंगी मैं, ठीक है, एंड आपको बताना है, मार्क्स दूंगी मैं आपको, बच्चों का मार्क्स दूंगी एंड आपको बताना है कि दे आर इन विच कैटेगरी. मार्क्स इज फ्रॉम 0 to 100 एंड देखो ऐसा है, इफ इट इज लेस देन 30 तो उसको हम बोलेंगे पुअर, इफ इट इज
लेस देन 60 मतलब 30 से ऊपर एंड 60 से नीचे, तो हम लोग उसको बोलेंगे ओके. एंड देन अगर 60 और 80 के बीच में है तो हम उसको बोलेंगे गुड. एंड अगर हम उसको बोलेंगे 80 से बड़ा है सो वी कॉल देम एज वेरी. अब देखो आपको दो चीज इधर यूज करना पड़ेगा. पहले तो आपको इफ फंक्शन यूज करना है इसके लिए, है ना, क्योंकि ये पूरा इफ फंक्शन के जैसा लग रहा है कि अगर मार्क्स 30 के नीचे है तो पुअर, 30 के ऊपर है और 60 से नीचे है तो ओके, 60 एंड 80 के बीच में तो गुड, 80 से ऊपर है तो वेरी गुड. एंड इसका आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है क्योंकि वो मुझे बार बार यूज करना है. मैं बार बार इफ फंक्शन जो है उसको मुझे लिखना नहीं है बार बार, वो जो पूरा इफ फंक्शन बनेगा उसे मुझे बार बार नहीं लिखना है. आई हैव टू क्रिएट अ फंक्शन ताकि उस फंक्शन को मैं बार बार यूज कर पाऊँ. सो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द इफ फंक्शन. आप लोग ट्राई करो इफ फंक्शन मैंने हमने करा किया है, पहले ट्राई करो इफ फंक्शन खुद से लिखने का. डोंट यूज द फंक्शन एंड ऑल ऑफ दोस, पहले इफ फंक्शन लिखो, ठीक है, इफ फंक्शन लिखने का ट्राई करो, वो हो जाए उसके बाद हम लोग उसको फंक्शन के अंदर डालेंगे. सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सोचो, लिखने का जरूरत नहीं एट दिस स्टेज, आप लोग अभी नहीं लिख पाओगे फॉर श्योर, बट यू कैन ट्राई. सो जस्ट थिंक कि हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे होगा, एंड देन वी कैन प्रोसीड. कोई ट्राई करना चाहता है? मैम कैन वी मेक अ न्यू फंक्शन विथ मार्क्स एज पैरामीटर्स एंड देन यूज इफ फंक्शन. हाँ वही तो मैंने बोला, मैं एक वही करना है. नो आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू राइट एंटायर थिंग, मुझे आप अनम्यूट करके बोलोगे. पीयूष इज सेइंग इफ एम इज ग्रेटर देन 30 एंड नहीं पीयूष. सो व्हाट डू यू वांट टू यूज, क्योंकि हमने इफ में काफी सारे फंक्शंस किए थे. पहले हम इफ फंक्शन लिखने का ट्राई करते हैं. हमने इफ में काफी सारा फंक्शंस किया था, जैसे हमने इफ एल्स किया था, फिर खाली इफ फंक्शन एंड देन उसमें एल्स फंक्शन यूज किया था. तो हमने ऐसे ये सब यूज किया था. मैं आप लोग को दिखा देती हूँ. इफ कंडीशन वैल्यू इज ट्रू एंड देन एल्स एंड देन इसमें अगेन हमने इफ लिख के वापस से कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू अगेन यू कैन यूज एल्स इफ, ये वाला एक चीज हमने किया था पूरा. एंड हमने किया था एक इफ एल्स. इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल ब्रैकेट में पहला, देखो पहला हम टेस्ट देते हैं, फिर वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स एंड देन वैल्यू इफ फॉल्स में आप अगेन से अगेन एक इफ एल्स दे सकते हो. सो आई फील पर्सनली ये वाला सबसे ईजी होता है लिखने में, क्योंकि आप एक्सेल भी जब करते हो. आई यू यश सेंड मी योर दिस कोड इन द चैट बॉक्स. मनीष ने यूज किया है. Let me get these quotes. अच्छा पहले मनीष का कोड लेते हैं. So he has written
एन कोई भी मार्क्स, इफ एन इज लेस देन 30 रिटर्न पुअर, एल्स इफ एन इज ग्रेटर देन 30 एंड एन इज लेस देन 60, ओके इफ दिस, ओके इसको ट्राई करते रन करके. अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट, आपने ब्रैकेट्स नहीं दिया ना इसीलिए. What about the first bracket? What about the second bracket and all of those? Try करो brackets देने का and again भेजो मुझे. This is what Kesh has written. Score, if score is greater than equal to 80, return very good. देखो इसने पूरा properly bracket use करा है. Else if the score is greater than equal to 30, return good. Else if score is greater than equal to 30. Now this score which he has written, by that he means a input, a single input. तो ये यहाँ पे x लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था. Doesn't matter कि आप एक word लिख रहे हो या फिर एक single character लिख रहे हो. Doesn't matter. ठीक है. Score greater than 30 है तो okay. आई फील कि तुमने कुछ गलत किया है क्या. ओके कब लिखा था मैंने, 60 और 30 के बीच में. अदरवाइज रिटर्न पुअर. ओके हाँ ये मुझे देख के सही लग रहा है, ये रन भी हो गया प्रॉपरली. इसमें एक मार्क्स डालते हैं 50. अब मैं मार्क्स डाल रही हूँ 50, तो वो कौन से रेंज में लाई करना चाहिए, इस रेंज में 50, इस रेंज में लाई करना चाहिए, येस और नो, इस रेंज में लाई करना चाहिए. इसको रन करते हैं. ओके वेरी गुड यश, वेरी गुड, वेरी गुड. सबसे पहले तो अनम्यूट करके हमें ये बताओ कि क्या आप पहले से आर पढ़ चुके हो और यू हैव ट्राइड. हाँ मैम, यूडी में से थोड़ा सा बेसिक कर रखा है बस. ओ इसीलिए हफ्ते भर. ठीक है तो बेसिकली देखो अगर, ठीक है भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई अभी इस पॉइंट पे लिख पाए फंक्शंस, क्योंकि अगर आप और थोड़ा पढ़ लेते हो, आप थोड़ा एग्जांपल्स कर लेते हो, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बट वेरी वेरी गुड कि आपने ट्राई किया एंड पूरा अच्छे से. आई विल रिड्यूस दिस फंक्शन एक्चुअली. अब मैं इसको ना और इजी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी. थोड़ा लेंदी लग रहा है तो ये इतना लेंदी फंक्शन देख के ना थोड़ा डर जाते हैं हम लोग, राइट. बट आई विल मेक इट वेरी शॉर्ट फॉर यू ऑल. कोई और भी है तो प्लीज ट्राई करो, इफ एल्स यूज करने का ट्राई करो. आपको बार बार ये रिटर्न यूज करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू ट्राई एटलीस्ट. देखो वंशिका ने भेजा है, वेरी गुड वंशिका, वेरी वेरी गुड. इसको देखते हैं सही है कि नहीं. So she has written in the single line. इसमें इसने लिखा है if marks is less than 30 तो poor, else else if marks is, यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट में मिस्टेक किया है, marks is less than 60 तो okay, and आपने ये भी मिस्टेक किया है कि आपने इसको quotations में नहीं डाला, क्योंकि ये सब आपको कैरेक्टर्स रिटर्न करने ना, तो आपको कोटेशन में डालना पड़ेगा. ओके वंशिका. नाउ अगेन इफ, यहाँ पे अगेन आप भूल गए मार्क्स लिखना. एल्स इफ मार्क्स इज लेस देन 80 तो आपको रिटर्न करना है गुड, एल्स रिटर्न करना है वेरी गुड. ठीक है ये मुझे सही लग रहा है, ये मुझे सही लग रहा है, वेरी गुड. सुमेधा ने भी ट्राई किया है. ओके सो ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग, वेरी वेरी गुड. अब देखो मैं आप लोग को एक बहुत इजी से लिख के बताती हूँ. जब हम इफ एल्स लिखते हैं, ठीक है, जब हम इफ एल्स लिखते हैं तो हम टेस्ट, सपोज यहाँ पे डाल रहे मार्क्स या फिर स्कोर कुछ भी ले लेते हैं, हम अभी के लिए एन लेते हैं, ठीक है, सिंपल रखते हैं थोड़ा. इफ सबसे पहले तो वी गिव द टेस्ट, इफ दिस इज लेस देन 30 तो हमें रिटर्न करना है पुअर, ठीक है. नेक्स्ट अपने देते हैं नो,
अपनी जो नो है व्हाट इफ, तो अपने अगेन इसमें डालेंगे, इस नो के जगह पे अगेन अपने डालेंगे इफ एल्स। इफ एल्स मैं क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि इफ एल्स में ब्रैकेट्स ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता है। इफ एल्स में सिंगल ब्रैकेट में यू गिव द ऑब्जर्वेशन, योर ऑपरेशन, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, राइट। तो अब इसमें वापस से अपने देते हैं, देखो पहला अपने देंगे टेस्ट। टेस्ट अब अपने क्या देंगे, 30 से नीचे है तो पुअर, फिर देखेंगे 30 से ऊपर है, अगर ऑब्वियसली 30 से ऊपर है तो ये पुअर नहीं आएगा, इधर आ जाएगा। 30 से ऊपर है तो वो किस रेंज में आ जाएगा, 30 और 60 वाला रेंज में। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, देख लो। तो 30 और 30 से नीचे तो पुअर, 30 से ऊपर गया तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ पुअर में नहीं आएगा, ये दूसरे वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अब इंस्टेड ऑफ पासिंग अ स्टेटमेंट, आई एम पासिंग अ न्यू इफ एल्स स्टेटमेंट। न्यू इफ एल्स स्टेटमेंट में नया कंडीशन अब क्या होगा, इट शुड बी लेस देन 60। इफ इट इज लेस देन 60 तो मुझे क्या चाहिए, ओके है ना। अब वापस से आई विल पास अ इफ एल्स, वापस से आई विल पास इफ एल्स। अब इसमें मैं क्या लिखूंगी, अगेन द टेस्ट इज, अब देखो 60 से नीचे है तो ओके, पर इसका मतलब यहां नहीं आया तो इधर क्यों आएगा, 60 से ऊपर है, 60 और 80 वाला रेंज, तो अगेन दिस शुड बी लेस देन 80। अगर ये लेस देन 80 है तो मुझे क्या चाहिए फिर, गुड, मुझे क्या चाहिए, गुड। अब देखो, अब आपको वापस से क्या इफ एल्स देने का जरूरत है, नहीं। अब अगर ये 80 से नीचे नहीं है, अभी अगर 80 से नीचे नहीं है तो ये गुड नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, यानी कि वो 80 है या 80 से ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे खाली लिख देंगे वेरी, समझे। सुमेधा ने फंक्शन जो लिखा है, सुमेधा, यस इट्स करेक्ट, बट आपने वही है थोड़ा, आप लोग एकदम सही कर रहे हो। अनमोल वेरी गुड, अनमोल ने एकदम मेरे जैसा फंक्शन लिखा है, जस्ट दैट उसने थोड़ा एंड ऑपरेटर्स यूज करा है विच वॉज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ओके। अनमोल वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ये चीज। ये वाला जो मैंने लिखा है, बताओ ये सबको क्लियर है कि नहीं, इसको रन करते हैं एक बार। एन नॉट फाउंड तो एन एक ले लेते हैं, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू एक ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं 50। अगेन 50 है तो मतलब वो किस रेंज में होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए, मतलब उसमें ओके आना चाहिए। क्या रहे? ये बताना सबको क्लियर है कि नहीं। नाउ वी विल पुट दिस इंटू अ फंक्शन, नाउ वी विल पुट दिस इंटू अ फंक्शन, जहां पे हम एन लेंगे एक्सप्लिसिटली एंड इसके अंदर पूरा हम क्या डालेंगे, अपना इफ एल्स। अच्छा, मैंने इसको किसी में डाला नहीं, इसमें डालें परफॉर्मेंस, परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म में डाल देते हैं। देख लो मैंने क्या करा है, मैंने इसको, इस पूरे फंक्शन को किस में डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट में विच इज परफॉर्म। अब हम इसके अंदर वैल्यू डाल के देखेंगे, सपोज 89 वेरी गुड आना चाहिए। क्या एक वेक्टर हम डाल सकते हैं इसके अंदर, क्या एक वेक्टर हम इसके अंदर डाल सकते हैं, यस और नो, लेट अस ट्राई। 89, 45, 67, अब अगर आपके पास एक पूरा वेक्टर है तो आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो।
मैम मैम मेरे में वार्निंग मैसेज आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मे बी तुमने कहीं कुछ मिस्टेक किया होगा, वार्निंग मैसेज यू कैन इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं। है मैम, इट्स शोइंग दैट द कंडीशन हैज लेंथ ग्रेटर देन 1 एंड ओनली द फर्स्ट एलिमेंट विल बी यूज्ड। मतलब एरर आ रहे थे सारे या फिर वार्निंग आ रहे हैं? मैम वार्निंग मैसेज फिर 1 2 3 करके पॉइंट्स है। हाँ तो मे बी तुमने कुछ मिस्टेक ऊपर किया है, अब एक बार कॉपी पेस्ट कर दो चैट बॉक्स में वार्निंग अपना। यस मैम। सी सी वार्निंग मैसेजेस आप लोगों को कभी कभी मिलेंगे, आपने अगर ऊपर देखो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वार्निंग मैसेज एंड एन एरर। एरर क्या होता है कि आपका फंक्शन या आप जो भी रन कर रहे हो, वो कोड रन कर रहे हो, वो रन ही नहीं हो रहा। एंड वार्निंग मैसेज क्या होता है कि आपका फंक्शन रन कर गया, जैसे वार्निंग हमारा रिसाइकलिंग जब कर रहे थे एंड द लार्जर वेक्टर वाज नॉट अ मल्टीपल ऑफ द शॉर्टर वेक्टर, तो एक वार्निंग आ रहा था। ऑल्दो वो परफॉर्मेंस रन हो रहा था, वो कोड रन हो रहा था, बट वी आर गेटिंग अ वार्निंग मैसेज। तो यहाँ पे एकदम तुमने में भी इफ फंक्शन के, तुमने में भी फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज डाला है। अच्छा, बिकॉज सी तुम वापस से रन करो अपने फंक्शन को, तुमने फंक्शन को रन नहीं किया फिर से ये डाल के। मैम सेम एरर आ रहा है, सेम मैसेज आ रहा है मैम, अगर वेक्टर यूज कर रहा हूँ। देखो तुम म्यूट करो प्लीज। देखो अगर तुम यहाँ पे, तुमने ये यूज किया था ना, ये था ना तुम्हारा कोड, तो इसमें अगर तुमने स्कोर का आई थिंक पहले से कोई वैल्यू डिफाइन कर दिया है, ऐसा है क्या? व्हाट मैम, तुमने स्कोर का भी पहले से वैल्यू डिफाइन कर दिया है क्या? नो मैम, नहीं, ऐसा आना नहीं चाहिए पर, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअली ये रन ही नहीं हुआ था क्या, कि रन हो गया था? अच्छा ये रन हुआ था, CUMP। लेट्स ट्राई इसमें डाल के। हाँ बिकॉज, रुक जाओ, इफ द कंडीशन हैज लेंथ 1 एंड ओनली द फर्स्ट एलिमेंट विल बी यूज। तुम्हारा जो ये तुमने लिखा है ना फंक्शन, ये पूरा इसमें एक्चुअली तुमने क्या किया, रिटर्न यूज करा है, समझ रहे हो? रिटर्न हटा के करो, रिटर्न हटा के करो, तो मैम व्हाट शुड आई राइट इंस्टेड ऑफ दैट? कुछ नहीं लिखना, ऐसे लिखना है मैंने जैसे लिखा है जिस ओके मैम, कोट्स में, ठीक है? ऐसे लिख के फिर ट्राई करो, देन वी विल सी। एंड रिटर्न इसमें फिर कहाँ लिखना है? रिटर्न लिखना ही नहीं है, मैंने बोला था ना रिटर्न लिखना जरूरी नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में जब मैंने ये लिखा तो मैंने बोला था ना लिखना जरूरी नहीं, आप इसके रिटर्न के बदले यू कैन राइट प्रिंट, यू कैन राइट प्रिंट आल्सो, और यू कैन सिंपली राइट जेड। यहाँ लिखना पड़ रहा है क्यों, समझो चीज को। जब आप आर्ग्यूमेंट्स एक्स और वाई डालते हो, उसका वैल्यू कैलकुलेट होके जेड में चला जाएगा, बट आपको एक आउटपुट भी तो चाहिए। वो आउटपुट क्या चाहिए आपको, जेड चाहिए। वो आउटपुट आपको क्या चाहिए, जेड चाहिए। तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। तो इस केस में वो हमें नहीं मेंशन करना पड़ रहा है, बिकॉज इस केस में हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि अगर ये एन से छोटा है तो पुअर, जो
जो हम कोट्स में लिख रहे हैं ये हमारा आउटपुट होना चाहिए. तो यहाँ पे आपको रिटर्न यूज करने का जरूरत नहीं. रिटर्न आप कब यूज करते हो? जब आप एक ऑब्जेक्ट में या एक वेरिएबल में कुछ डालते हो. जैसे यहाँ पे आपने एक वेरिएबल जेड में कुछ डाला है तो आपको ये जेड रिटर्न करना है या प्रिंट करना है. तो इसको आप खाली जेड लिखो, रिटर्न जेड लिखो, प्रिंट जेड लिखो. क्लियर है? जब आप लोग इसका इफ स्टेटमेंट के अंदर, जो मैंने इफ स्टेटमेंट पहले भी कराया था उसके अंदर मैंने क्या बोला था, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पे कुछ लिखो. यू कैन डायरेक्टली गिव इट कोट्स कि आपको वैल्यू क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए. क्लियर? ओके. सो यश यू ट्राई दिस. अगर आपका स्टिल एरर आ रहा है तुम्हारा, सो वी विल गेट बैक टू इट. मे बी इस पूरे कोड में पहली बात तो तुमने रिटर्न यूज करा है, देन ट्राई अवॉइड दैट, अवॉइडिंग दैट, एंड देन आई विल गेट बैक टू इट कि इसमें और क्या एरर है. ठीक है, बस यही आई थिंक यही एरर होना चाहिए. ओके. नाउ आफ्टर बिकॉज तुम यहाँ पे रिटर्न जब लिख रहे हो ना तो वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा. यस यश. मैम आई हैव रिमूव ऑल द रिटर्न वैल्यू. I am getting the same thing. Okay, what we can do is we'll not waste time abhi. I will take this doubt. Just give me some time. ठीक है? अभी आज ही ले लेंगे, but just हम लोग आगे बढ़ते हैं. Okay ma'am. Because I have to cover a few more things. हम अभी functions नहीं है, but I will come to it. ठीक है? जो तुमने लिखा है. क्योंकि यहाँ पे बहुत जन है जिन्होंने सबने codes लिखे हैं, and जरूरी नहीं कि सबका सही हो. जैसे मनीष का भी गलत है. So if I sit and solve सबका कोड अलग अलग थोड़ा दिक्कत होगा. I will solve it. No issue. No issue. ये return तुमने हटा के maybe ठीक से लिखा नहीं है उसके बाद, इसीलिए तुम्हारा. Because if you read the warning message clearly, इसमें क्या बोल रहे हैं, in if and then आप if statement pass करो, then this bracket के बाद आपका error आ रहा है. So मतलब कि इस bracket के बाद आपका कहीं error है, समझ रहे हो? So that is a problem which you are facing. So we'll come to it, no problem. सबका ये आया, perform सबका आया? Yes अक्षत. मैम उस कोड में शायद एक बार जो हर जगह जहाँ पे भी else if लिखा है उसके साथ में अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों मेंशन करनी चाहिए शायद, like greater than 30 less than 60 वैसे. इधर यस मैम. नहीं जो जहाँ पे भी else if लिखे हैं ना, else if score greater than equal to 60 वाले और उन सब केसेस में probably. सी एक मैं आप लोगों को ट्रिक बताना चाहती हूँ फॉर फ्यूचर. ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सेल एंड ऑल में भी काफी मिलेगा जब आप लोगों को नेस्टेड इफ एल्स यूज करना होता है. उस कंडीशन में ना हमेशा ट्राई करो कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जाने का, हमेशा ट्राई करो नीचे से ऊपर आने का. ये मैं क्यों बोल रही हूँ समझना. फर्स्ट यू आर राइटिंग ग्रेटर देन 80 है तो वेरी गुड. देन आप लिख रहे हो ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 60. देन आप लिख रहे हो ग्रेटर देन 30. अगर आपका वैल्यू इज 90, अगर आपका वैल्यू इज 90 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है यश, 90 है तो वो तो ग्रेटर देन 30 भी हुआ, वो तो ग्रेटर देन 60 भी हुआ, वो तो ग्रेटर देन 80 भी हुआ, तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो? इसीलिए हमेशा 80 वाला ही रिटर्न करेगा मैम. क्यों? ग्रेटर देन 30 भी तो है वो. लेकिन मैम वहां पे कंडीशन पहले लग गई ना, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये आगे फॉरवर्ड होगा, आगे फॉरवर्ड नहीं होगा. अगर फॉल्स है तो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा. पूरा चेक होता है, पूरा चेक होगा. गलत बोल रहे हो. कॉम्प में अपने डालते हैं, इसीलिए तुम्हारा ये एरर आ रहा है कि तुम्हारा आगे का आर्ग्यूमेंट चेक नहीं हो रहा है. तुम या तो दोनों कंडीशंस डालो कि ग्रेटर देन 80 ठीक है, यहाँ पे यू पुट इन एक और कंडीशन एंड लगा के कि लेस देन 80 है, यहाँ पे यू पुट इन वन मोर कंडीशन कि इट इज लेस देन 60. फिर करके देखो पहली बात. दूसरी बात, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला था, जस्ट ग्रेटर देन बोला था, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. इसीलिए हमेशा कीप दिस इन माइंड कि आप लोग नीचे से जाओ ऊपर, कभी गलती नहीं आएगा. 30 से छोटा है तो पुअर, 60 से छोटा है तो ओके, 80 से छोटा है फिर वैसे. हमेशा नीचे से ऊपर जाना चाहिए, कभी गलती नहीं होगा.
क्लियर है? एक बार ट्राई करो एंड देन वी एंड देन गेट बैक टू मी इन द चैट बॉक्स. ओके, सो मूविंग ऑन फ्रॉम द यूजर डिफाइंड फंक्शन, सबको क्लियर है? हाउ टू कॉल अ फंक्शन, वी जस्ट गिव द नेम ऑफ द फंक्शन जो भी हमने डिफाइन करे एंड देन विद इन द ब्रैकेट्स वी मेंशन द पैरामीटर्स. क्लियर है? सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन. तब एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो. मनीष इज आस्किंग रिटर्न स्टेटमेंट में ब्रैकेट यस रिटर्न, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन समझ नहीं आया, रिटर्न स्टेटमेंट में फर्स्ट ब्रैकेट यूज करते हैं. ग्रेट, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. हाउ टू इम्पोर्ट डेटा इन टू आर. तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सी देर आर थ्री मेन इम्पोर्टेंट वेज ऑफ गेटिंग योर डेटा इन टू आर. फर्स्ट वे जो हम लोग कर रहे थे विच वॉज मैनुअली टाइपिंग, है ना, हम लोग मैनुअली अपना सब कुछ टाइप कर रहे थे. जैसे कि मैंने डेटा फ्रेम टाइप किया, मैंने वेक्टर बनाया, मैंने फैक्टर बनाया, हम लोग सब कुछ टाइप कर रहे थे और वो एनवायरनमेंट विंडो में आ रहा था. नाउ व्हाट इफ कि हमें मैन्युअली नहीं टाइप करना. सो द अदर वेज इज देर आर सम डेटा सेट्स विच आर इनबिल्ट इन आर. सपोज एंड कुछ पैकेजेस होते हैं, बाई डिफॉल्ट देर आर अ फ्यू पैकेजेस जो इनबिल्ट होते हैं हमारे आर में. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पैकेजेस होते हैं जो हम कुछ इंस्टॉल करते हैं, कुछ इनबिल्ट होते हैं. तो कुछ कुछ जो इनबिल्ट पैकेजेस हैं, लाइक वन पैकेजेस, यहाँ पे अगर आप पैकेज में आके सर्च करो मास, इफ यू सर्च मास पैकेज, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा एक मास पैकेज. ठीक है, इसको लोड कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो लाइब्रेरी, इसके अंदर आप डाल सकते हो एक बार करके हेल्प MASS. नाउ योर आर प्रोग्रामिंग इज और आर प्रोग्रामिंग इज केस सेंसिटिव. व्हाट डू आई मीन बाय केस सेंसिटिव, कि अगर आप स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स यूज करो तो उसमें वो डिफरेंशिएट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे यश यू कैन लीव दैट फॉर सम टाइम, वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, वी विल गेट बैक टू इट लेटर. चलो, तो मास में एट द एंड ऑफ द क्लास जस्ट रिमाइंड मी, वी विल गेट बैक टू इट. तो मास में वी जस्ट हैव टू ऐसे नहीं लिखना होता, वी जस्ट गिव द नेम ऑफ द फंक्शन और द पैकेज, सॉरी, एंड वी यूज अ लाइब्रेरी फंक्शन. अब इसको एक बार रन करते हैं, तो इससे देखो हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ गया है मास पैकेज का, पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ गया हमारा. नाउ इट्स अ पैकेज जिसमें बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, इसमें बहुत सारे डेटा सेट्स हमें दिए हुए हैं. एंड वॉट आर दीज डेटा सेट्स, आपको बहुत सारे इसमें डेटा सेट्स मिलेंगे. एक और बढ़िया तरीका है टू यूज this help tab is to just click on this mask and aapko yahan pe pura description mil jayega. So there are very, you can see these, ye jo aapko dikh rahe hai na alphabetical order mein, ye sare different data sets aapko given hai, vectors, factors, matrices, data frames, ye aapko yahan pe given hai. Clear? To agar aap isme se koi bhi ek select karna chaho, like let me select cars 93. This is what, this is a data from 93 cars on sale in USA. Just pe click karte hain. The moment you click on this, ab yahan pe dekhna kya aa raha hai, this is a data frame which has 93 rows and 27 columns. ये सारे columns हैं, देख इतने सारे columns हैं, ये सारा column के बारे में information दिया है. क्लियर? अब इसको लेके कैसे आए, सबसे पहले तो दो स्टेप होता है. स्टेप वन, जब भी आप पैकेज से डील करते हो, इज टू इंस्टॉल द पैकेज. अगर इनबिल्ट पैकेज है तो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, नॉट फॉर इनबिल्ट पैकेज. ठीक है, दिस इज नॉट द केस फॉर इनबिल्ट पैकेज. नेक्स्ट आपका स्टेप टू होता है to load the package.
लोड द पैकेज। नाउ हमें क्या यूज करना है, मास पैकेज यूज करना है जिसके अंदर काफी सारे डेटा सेट्स आर में दिए हुए हैं। तो हमें लोड करने के लिए कौन सा फंक्शन पास करना पड़ेगा, लाइब्रेरी फंक्शन। एंड इसके अंदर वी विल जस्ट गिव द नेम ऑफ द पैकेज व्हिच वी वांट टू लोड। इसको रन करते हैं एंड द मोमेंट वी रन दिस क्या होगा देखना। पैकेजेस में जाओ, मास में देखो ये टिक पहले था क्या, नहीं था, पर अभी ये टिक इधर आ गया। पहले ये टिक था क्या, नहीं, बट अभी हमें टिक दिख रहा है। क्लियर, ये लोड हो गया। नाउ वी कैन यूज दिस पैकेज। अब इस पैकेज के अंदर देर इज अ डेटा फ्रेम कॉल्ड कार्स 93 जो मैंने आप लोगों को दिखाया, दैट वी हैव टू यूज, दैट वी हैव टू यूज। यू कैन डायरेक्टली राइट, देख लो इसका नाम कैसे दिया हुआ था, कार्स 93। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कार्स 93। अपने आप आ गए इधर, कैसे अपने आप आ गया, क्योंकि हमने इस पैकेज को लोड कर लिया। तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, जो भी डेटा सेट्स हैं, वो अपने आप हमारे आर में लोड हो गए। पहले आप करते तो नहीं आता। अब इसको अपने रन करते हैं। देखो ये मेरे ग्लोबल एंड ये मेरे कंसोल में फिट भी नहीं हो रहा है। वी हैव 93 रोज एंड 27 कॉलम्स। तो इसको व्यू करने के लिए आई विल पास अ फंक्शन कॉल्ड व्यू एंड आई विल राइट कार्स 93 एंड आई विल रन दिस। मोमेंट आई डू दिस, यहाँ पे देखो एक एक्सेल स्प्रेडशीट जैसा चीज खुल जाता है। यहाँ पे यू हैव 27 कॉलम्स, यू हैव 27 कॉलम्स एंड 93 रोज। दीज आर द मैन्युफैक्चरर्स, मॉडल नेम, टाइप ऑफ द कार, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस एंड ऑल ऑफ दीज। क्योर है, अब इस डेटा को आप यूज कर सकते हो कुछ भी करने में, डेटा मैनिपुलेशन में। क्योर है, इनबिल्ट डेटा सेट कैसे यूज करते हैं। यस और नो। नाउ आप लोग आई होप मेरे साथ साथ इसको ट्राई कर रहे हो। देर इज अ पैकेज कॉल्ड डेटा सेट, कि बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे लोड हो चुका है। इसको भी अगर आप लोड करना चाहो, सो यू विल हैव टू पास द लाइब्रेरी फंक्शन एंड यू विल राइट डेटा सेट। इट्स अगेन एग्जैक्टली लाइक मास पैकेज। इस पे क्लिक करते हैं। इसमें भी देर आर डिफरेंट डेटा सेट्स विच यू कैन फाइंड आउट। देखो कितने सारे डेटा सेट्स हैं हमारे पास। कुछ वेक्टर्स हैं, इसमें से आयरिश डेटा सेट है जो काफी आगे हम यूज करने वाले हैं। सो वी हैव यहाँ पे कार्स, द स्पीड एंड टॉपिंग डिस्टेंसेस ऑफ कार्स। सो वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा सेट्स ऑलरेडी गिवन विच वी कैन यूज। अगर आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस कुछ करना है, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। जैसे कार्स 93 हमने ले लिया, अब हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ये हमें इस टैब में कहाँ मिलेगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट में तो कार्स 93 दिखाई नहीं रहा। इस पे क्लिक करो, सब लोग देखो अगर मेरे साथ साथ आप लोग करो। ये एक ऑब्जेक्ट है, यस और नो, ये एक ऑब्जेक्ट है, यस दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट विंडो में आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा। बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज इनबिल्ट इन आर। तो इसको कैसे देखें, यहाँ पे ग्लोबल एनवायरनमेंट पे क्लिक करो, यहाँ पे क्या आ रहा है, पैकेज मास आ रहा है सबका। इस पे क्लिक करो, द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस आपको सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे। ये सारे डेटा सेट्स मिल जाएंगे जो हमारे मास पैकेज के अंदर है। क्या इसमें आपको कार्स 93 दिखा, दिखा। अब इस पे ये बॉक्स पे मैंने क्लिक करना सिखाया था लास्ट क्लास डेटा फ्रेम के लिए, है ना। तो इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस अगेन आपका ये सेम चीज ओपन हो जाएगा, दिस स्मॉल लिटिल बॉक्स विच यू सी हियर। क्लियर है सबको। बताओ क्लियर है, ओके ग्रेट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द पैकेजेस, द डेटा सेट्स विच आर ऑलरेडी इनबिल्ट इन आर। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वील डू इज टू
तो हमने दो चीज देखा कि आप कैसे अपने डेटा सेट चाहे तो आप टाइप कर सकते हो, विच इज ऑब्वियसली नॉट ऑलवेज पॉसिबल. आप बड़ा बड़ा डेटा सेट कैसे टाइप करोगे? यू कैन यूज सम इनबिल्ट डेटा सेट्स विच आर ऑलरेडी देयर इन आर. एंड लास्टली विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी कैन इम्पोर्ट डेटा सेट्स इन टू आर. नाउ फ्रॉम वेयर वी कैन इम्पोर्ट दीज डेटा सेट्स? वी कैन इम्पोर्ट दीज डेटा सेट्स फ्रॉम मेनी प्लेसेस. लाइक आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से इम्पोर्ट कर सकते हो. आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ना, इट्स लाइक अ नोट पैड, तो उसमें से आप इम्पोर्ट कर सकते हो. सी एस वी फाइल, वॉट आर सी एस वी फाइल? जैसा एक्सेल होता है वैसे ही सी एस वी होता है, कॉमा सेपरेटेड व्हीकल्स जिसको हम लोग बोलते हैं. इसमें क्या होता है एक्चुअली कि द डिफरेंस इज बिटवीन एक्सेल एंड सी एस वी. सी एस वी में आप कुछ उतना ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं यूज कर सकते जितना आप एक्सेल में यूज कर सकते हो. ठीक है, सो वी हैव सी एस वी फाइल, कॉमा सेपरेटेड फाइल, एंड देन देर आर अदर पैकेजेस थ्रू विच यू कैन इम्पोर्ट. हम लोग ये सब अदर पैकेजेस नहीं करेंगे. वी विल जस्ट सी द फर्स्ट थ्री, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सी एस वी एंड एक्सेल. मोस्टली जब भी कोई भी आप लोग डील करते हो तो आप लोग जनरली सी एस वी फाइल्स या फिर टेक्स्ट, पर मोस्टली यू विल डील विद सी एस वी फाइल, क्योंकि जो भी डेटा कलेक्शन होता है वो जनरली सी एस वी फाइल के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, एंड फिर उसको हम लोग अपने आर में इम्पोर्ट करते हैं. एंड नाउ वी लर्न हाउ टू इम्पोर्ट दिस डेटा इनटू आर. ठीक है, ठीक है. देखो सबसे दो तरीका होता है सबसे पहले तो इम्पोर्ट करने का. आइदर यू कैन टाइप अ फंक्शन और यू कैन यूज द मैनुअल मेथड ऑफ इम्पोर्टिंग. अब देखना यहाँ पे मेरे पास, मैंने कुछ डेटा सेट्स ले रखे हैं यहाँ पे. आई हैव दिस सी एस वी फाइल. ये आपको एक्सेल के जैसा लग रहा होगा, दिस इज नॉट एक्सेल. यहाँ पे एक छोटा सा ए का साइन अगर किसी को दिख रहा है, देर इज अ स्मॉल ए का साइन यहाँ पे, विच मीन्स दिस इज नॉट अ एक्सेल फाइल. यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल. इस पे क्लिक करते हैं. दिस इज द डेटा विच वील इम्पोर्ट. वी हैव कस्टमर्स, डिफरेंट कस्टमर कोड्स, सिटी, स्टेट, रीजन, सेल्स, ये हमें दिया हुआ है. इसको हम इंपोर्ट करने का कोशिश करेंगे इन माय आर. इससे पहले लेट अस इंपोर्ट डेटा टेक्स्ट फाइल. आई थिंक टेक्स्ट फाइल ज्यादा इजी होता है समझने में. टेक्स्ट फाइल देखो, आप लोग को अगर टेक्स्ट फाइल बनाना है तो आप लोग कैसे बनाओगे? राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन न्यू एंड एक टेक्स्ट फाइल बना लो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जल्दी से बना लो एंड इसमें क्विकली जस्ट राइट टू थ्री लाइन्स. मैंने क्या किया, मैंने कॉमा सेपरेटेड किया है इन सबको एंड आई हैव क्विकली रिटन अ स्मॉल डेटा यहाँ पे. अगर मेरे साथ साथ करना है जिसको भी, ये जल्दी से ये टाइप कर लो. ठीक है, आफ्टर दिस सी वील इम्पोर्ट दिस डेटा फ्रेम. वील इम्पोर्ट दिस डेटा फ्रेम, कैसे इम्पोर्ट करेंगे अब समझना. तो आपके में नोट पैड होगा वंशिका, आपके में नोट पैड होगा, ट्राई करो नोट पैड ढूंढने का. ठीक है, तो अब इसको ट्राई करते हैं इंपोर्ट करने का. यस वेद, हैंड रेस किया किसी ने? ओके, तो अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं कैसे इंपोर्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग कर रहे हैं इंपोर्टिंग टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल अगर समझ जाओगे तो बाकी सारा भी आराम से समझ जाओगे. ठीक है, ओके. सो सबसे फर्स्ट स्टेप, अगर आप लोग लिख रहे हो, लिखने का जरूरत है नहीं वैसे, आई थिंक मेरे पीपीटी में है, सो यू ऑल कैन जस्ट सी. फर्स्ट यहाँ पे एनवायरनमेंट में देयर इज समथिंग कॉल्ड इंपोर्ट डेटा सेट. जस्ट क्लिक ऑन दिस इंपोर्ट डेटा सेट.
अब आपको बताना है आपको कहाँ से इंपोर्ट करना है, एक्सेल से, SPSS, ये सब तो मैंने बोला हम नहीं करेंगे, स्टेटिस्टिकल पैकेजेस हम ये तीन ये दो करेंगे। इनफैक्ट टेक्स्ट बेस, हमें टेक्स्ट बेस से इंपोर्ट करना है, सो वेल क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन। देन यहाँ पे मेरा आया, नेविगेट करो कहाँ पे आपका फाइल है, सो मेरा फाइल वॉज समवेयर हियर, दिस इज माई फाइल DF जो मैंने आप लोग को भी दिखाया। ठीक है, नेविगेट किया हमने, क्लिक ऑन ओपन। द मोमेंट यू क्लिक ऑन ओपन, अब देखो ये एक इम्पोर्ट डेटा सेट का विंडो आ गया, इम्पोर्ट डेटा सेट का विंडो आ गया। अब इसमें आप नाम कुछ भी, जैसे कि आप जब एक डेटा फ्रेम बनाते हो तो आप उसको ना किसी ऑब्जेक्ट में डालते हो ना, ABC जो हम लोग कर रहे थे उस दिन, तो यहाँ पे भी जब आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो आप कोई भी अपना एक नेम दे सकते हो। सपोज हम नेम दे देते हैं डेमो, ठीक है, सपोज हम नेम दे देते हैं डेमो, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नेम हो जाएगा इन आर, इस ऑब्जेक्ट में ये मेरा डेटा फ्रेम सो जाएगा। अब देखना हुआ क्या, हेडिंग येस और नो, हेडिंग येस और नो का मतलब है ये जो मेरा हेडिंग है, ये जो मैं फर्स्ट लाइन है, वेदर दिस इज अ हेडिंग और नो नॉट, इस पे नो पे क्लिक किया मैंने, जैसे ही मैंने नो पे क्लिक किया देखना यहाँ पे V1 V2 V3 आ गया, विच मीन्स कि मेरा जो फर्स्ट लाइन है इट इज नॉट अ हेडिंग। इफ इट्स अ हेडिंग क्लिक ऑन येस, इफ इट्स नॉट अ हेडिंग क्लिक ऑन नो। मोस्टली हमारा फर्स्ट रो हमेशा एक हेडिंग होता है, इसीलिए हम इसको येस करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट भी येस आ रहा है अभी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट येस पे टिक था। रो नेम्स, आपको कोई रो नेम्स खुद से देना है या फिर ऑटोमेटिक रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक, 1 2 3 4 लिखा हुआ आएगा, अगर आपको खुद से कोई देना है तो यूज फर्स्ट कॉलम, अगर आप यूज फर्स्ट कॉलम लिख दोगे तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपका रो नंबर्स के जैसे आ जाएगा, क्लियर है, वो हमें यहाँ पे नहीं करना है, वी हैव टू कीप इट एज ऑटोमेटिक जो भी अपने आप आए। सेपरेटर क्या है, कॉमा, हमारे टेक्स्ट फाइल में सेपरेटर कॉमा था, इसको अगर आप चेंज करो, सपोज आप टैब पे क्लिक करो तो अब देखो टैब रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा क्योंकि टैब मैंने कहीं दिया ही नहीं है, तो ये जो आपका डेटा फ्रेम है वो देखो यहाँ पे कॉमाज आ रहे हैं, मेरा कैसा सेपरेटर है यहाँ पे, हर एक डेटा के बीच में सेपरेटर क्या था, कॉमा था, तो इस पे मैं क्या करूंगी, कॉमा सिलेक्ट करूंगी। यू हैव डिफरेंट ऑप्शन, सेमी कोलन, वाइट स्पेस एंड ऑल ऑफ दोस, हमारा कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कोट, कोट इज बेसिकली कि आपका ये सराउंडिंग में कोट है कि नहीं, ये आपको और समझ में आएगा जब हम एक्सपोर्ट करेंगे फाइल्स। तो ये एक तरीका है आपका इम्पोर्ट करने का, यू जस्ट सिलेक्ट द फाइल, डू अ फ्यू एडजस्टमेंट्स, आपको खाली जनरली हेडिंग में, रो नेम्स में और सेपरेटर में, ये तीन चार जगह जहां आपको सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कहीं नहीं करना है, हेडिंग एंड सेपरेटर, दीज टू, दैट्स इट, दैट्स इट। एंड स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स, आप लोग को याद होगा मैंने क्या बोला था, अभी डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स क्या है, ट्रू है फॉल्स है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, डेटा फ्रेम के अंदर स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स अभी बाय डिफॉल्ट ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है तो इसीलिए अनटिक है, पहले क्या होता था ये अपने आप टिक्ड रहता था तो इसको अपने अनटिक करते थे, पहले क्या होता था, पहले ये टिक्ड रहता था, अभी ये अनटिक रहता है बाय डिफॉल्ट, अनटिक रहता है मतलब कि अभी जो जैसे ये वाला जो हमारा कॉलम है ये कैरेक्टर वेक्टर है, तो ये जब इम्पोर्ट करेंगे तो ये एज अ कैरेक्टर ही इम्पोर्ट होगा, पहले ये कैसे इम्पोर्ट होता था, एज स्ट्रिंग्स, तो इसको हम यहाँ पे अनटिक कर देते, दैट्स इट, वी आर डन। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि हमारा प्रीव्यू काफी सही है, हम क्लिक करेंगे इम्पोर्ट पे। द मोमेंट वी क्लिक ऑन इम्पोर्ट, द मोमेंट वी क्लिक ऑन इम्पोर्ट, देखो क्या हुआ, मेरे स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, एक यहाँ पे डेमो का डॉक्यूमेंट खुल गया, एंड यहाँ पे इफ यू सी थोड़ा वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं, बट यहाँ पे इफ यू सी द एंटायर कोड कंसोल में आ गया, क्या कोड आया, डेमो जो हमने नाम दिया, अब जो नाम देते वो यहाँ पे रहता, रीड डॉट CSV, CSV एक्चुअली क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड है, अगर टैब सेपरेटेड होता तो रीड डॉट टेबल आता, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगी अभी, रीड डॉट CSV एंड देन ये आपका पूरा क्या आ रहा है, फाइल पाथ, ये फाइल एग्जैक्टली आपके लैपटॉप में कहाँ है वो पार्ट, इसका देखो एक्सटेंशन क्या है, .txt बिकॉज इट्स अ टेक्स्ट फाइल, बट आपका इंपोर्ट एज CSV क्यों हुआ, बिकॉज इट्स कॉमा सेपरेटेड, एंड देन आपका क्या कोड आ रहा है, व्यू डेमो, ये आपका अपने आप ओपन हो गया, क्लियर है सबको, क्लियर है। एक
एक हम लोग ये कोड एक्चुअली लिखने का ट्राई भी करेंगे अभी खुद से, सो जस्ट गिव 2 मिनट्स, हम लोग इसको लिखेंगे भी. बट बिफोर दैट लेट मी मेक दिस इनटू टैब सेपरेटेड, इंस्टेड ऑफ कॉमा लेट मी मेक दिस इनटू टैब सेपरेटेड. ठीक है, क्विकली मैं इसको टैब सेपरेटेड कर देती हूँ. ये मेरा टैब सेपरेटेड हो गया, आई विल सेव दिस फाइल. अब हम इसको वापस से इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो अपने आप आर ने रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे सेपरेटर क्या कर दिया है, टैब. सो कॉमा करते तो ये नहीं आता, रिकॉग्नाइज नहीं होता. देखो यहाँ पे कैसे आ रहे है हेडिंग मेरा, तो इसीलिए अपने आप ही क्या हो गया, टैब सेपरेट. क्लियर है ये चीज, क्लियर है. इसको अब हम करेंगे अगेन, नाम मैं कुछ नहीं चेंज करी हूँ, डीएफ है डीएफ रहने देती हूँ, कुछ चेंज नहीं करना मुझे इम्पोर्ट. ठीक है, ठीक है. नाउ नाउ यहाँ पे अगेन रीड डॉट डिलिम आ रहे हैं. डीलिम इज द डीलिमिटर, शॉर्ट फॉर डीलिमिटर. आपका अगर कुछ और डीलिमिटर है, अगर आपका स्पेसेस होता ना तो आपका रीड डॉट टेबल आता. जैसे मैंने टैब यूज करा, इंस्टेड ऑफ टैब अगर आपका स्पेस सेपरेटेड होता तो आपका रीड डॉट टेबल आता. कोई बात नहीं, वी जस्ट नाउ अंडरस्टैंड कि अब हम कोड कैसे लिखते हैं इसका. ये था हमारा मैनुअल वे ऑफ इम्पोर्टिंग. ये कौन करते हैं, जो फर्स्ट टाइम आर सीख रहे होते हैं. हम लोग को आर में प्रो बनना है, तो हम लोग ये सब काम नहीं करेंगे. हम लोग अपना कोड टाइप करेंगे पूरा. अब कोड कैसे टाइप करेंगे, सपोज हम दे देते हैं नाम इसको डेमो वन, जिसमें हम लोग को इम्पोर्ट करना है. द कोड नेम इज रीड डॉट टेबल एंड देन विद इन द ब्रैकेट्स यू गिव ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन. रीड डॉट टेबल, रीड डॉट टेबल क्यों, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है. एंड देन विद इन द कोड्स यू गिव द फाइल पाथ. फाइल पाथ कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, समझो ये हमारा था फाइल, इसका फाइल पाथ देखो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. दो तीन तरीका होता है. फर्स्ट वे इज वेरी सिंपल, जहां पे आप क्या करते हो, विंडोज आर, विंडोज आर बटन प्रेस करो, विंडोज आर, एंड आपका ये रन जैसा बॉक्स खुल जाएगा. अगर आप यहाँ पे रन लिखोगे, टाइप करोगे तो भी ये खुल जाएगा. विंडोज आर, विंडोज का बटन होता है ना, विंडोज आर, या फिर सिंपली यू जस्ट क्लिक ऑन रन ओवर हियर, तो आपका ये बॉक्स खुल जाएगा. इसमें आपको क्या करना है, जो भी लिखा हुआ है उसको बैकस्पेस करके हटा दो, एंड जो भी आपका ये फाइल है उसको इधर पे ड्रॉप करने का कोशिश करो. ये फाइल को इसमें जैसे ही ड्रॉप किया, देखो इसका पूरा फाइल पाथ आ गया. क्लियर है, क्लियर है. दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग द फाइल पाथ, दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग द फाइल पाथ. वट इज दी अदर वे, यहाँ पे ये जो भी फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो, यहाँ पे जस्ट क्लिक करो. जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया. नाउ जस्ट गिव वन फॉरवर्ड स्लैश. ठीक है, जैसे ही मैंने एक स्लैश दिया, जैसे ही मैंने ये वाला स्लैश दिया, तो देखो ये सारे जितने भी फाइल्स थे वो आ गए इसमें. आई विल सिलेक्ट वॉट, आई विल सिलेक्ट दिस डीएफ. क्लिक मत करना, ठीक है, क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, क्लिक मत करना. वॉट यू हैव टू डू इज अगेन अगेन क्या आ रहा था, मैंने स्लैश दिया, ये आ रहा था. जस्ट नीचे जाओ बीएफ में एंड देन सिलेक्ट दिस एंटायर थिंग एंड कॉपी, कंट्रोल सी, और जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल ए. कंट्रोल ए करने से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी को एंटर प्रेस मत कर देना, वो खुल जाएगा फाइल फिर से. ट्राई करो एवरीवन, ट्राई बोथ द मेथड्स ऑफ गेटिंग द फाइल पाथ. मैम कैन यू प्लीज रिपीट द सेकंड मेथड.
यस कोई कुछ बोल रहा था। मैम कैन यू प्लीज रिपीट द सेकेंड मेथड। देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये पूरा सिलेक्ट हुआ। नाउ जस्ट ये वाला फॉरवर्ड स्लैश दो, ये जैसे यहाँ पे एक स्लैश है वैसे एक स्लैश दो। एंड डू नॉट क्लिक ऑन दिस, आपको ये वाला फाइल पर चाहिए ना डीएफ वाला, डू नॉट क्लिक ऑन दिस क्योंकि वो ओपन हो जाएगा। तो आप ऐसे डाउन एरो पे क्लिक करो, डाउन एरो बटन पे क्लिक करके ऐसे से यू कैन सिलेक्ट। डोंट क्लिक ऑन एंटर, डोंट क्लिक ऑन एंटर अदरवाइज वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आया। नाउ क्लिक ऑन कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। क्लिक ऑन कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, जिससे फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं हो पा रहे। बाय वंशिका, क्या एरर हो रहा है? मैम कुछ हो ही नहीं रहा। आप मैकबुक यूज कर रहे हो कि यू आर यूजिंग विंडोज? मैकबुक। हाँ तो उसमें थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअली, बट आपका ये रन वाला ऑप्शन नहीं काम कर रहा है। आई डोंट फर्स्ट मेरा वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही नहीं बन रहा। टेक्स्ट नहीं होता एक्चुअली, मैकबुक में आपको नोटपैड मिलेगा। नोटपैड नहीं है, नोट ऐप है एंड स्टिकी नोट है। वो नहीं, वो अलग है। नहीं 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 टेक्स्ट एडिट, हाँ टेक्स्ट एडिट होता है शायद। हाँ तो वो करो। आई ट्राइड दैट आल्सो बट उसमें भी नहीं आ रहा निकल, मतलब आई ट्राइड नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? उसमें फाइल बन गई बट इंपोर्ट डेटा शीट से हो नहीं रहा। ठीक है ये वाला ट्राई करो मेथड। नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि नहीं होगा, उससे भी होता है बिकॉज अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग दैट। ठीक है लेट्स डू वन थिंग, उसका मैं एक अलग से आपको बता दूंगी क्लास में। ठीक है बट ये होता है, अभी हम लोग अगर सीएसवी फाइल करेंगे तो यू यू कैन ट्राई दैट, बट ये होता है यू ट्राई यूजिंग दिस मेथड व्हिच आई एम यूजिंग नाउ, रीड डॉट टेबल वाला। ओके कुछ नहीं है, विंडोज जिनसे ये वाला मेथड नहीं हो रहा है वो विंडोज आर वाला मेथड यूज करो। विंडोज आर एंड देन जस्ट ड्रैग द फाइल, देन जस्ट ड्रैग दिस फाइल व्हिच यू सी, ड्रैग दिस फाइल यहाँ पे एंड देन गेट द फाइल पाथ, जिनसे ये वाला नहीं हो रहा मेथड, बिकॉज दिस मेथड इज नॉट सिंपल, इसीलिए मैंने विंडोज आर बताया पहले तक। तो मैं किसी को, एक सेकेंड रुको, पहले तक तो मैं किसी को ये वाला मेथड बताती ही नहीं थी, मैं खाली विंडोज आर वाला ही बताती थी, बट अभी आई लाइक आई विश कि आप लोग कर पाओ इसीलिए मैंने बताया। तो इफ यू कैनॉट डू दिस मेथड इट्स फाइन, ये विथ टाइम होगा क्योंकि आप अभी नया नया लैपटॉप अगर यूज कर रहे हो आपसे नहीं होगा। You can try go for Windows R. Yes, Khushi. मैम ऊपर में जब आप क्लिक कर रहे हो तो आपका वो पाथ आ जा रहा है ना, मैं क्लिक कर रही हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? तुम्हारा सेटिंग्स में जाके कहीं चेंज करना पड़ेगा फाइल पाथ वाला चीज। एक बारी जिसका ये नहीं आ रहा प्लीज गो फॉर विंडोज आर मेथड। ठीक है इनफैक्ट मैंने अभी तक विंडोज आर मेथड ही करवाया है सबको, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग दिस मेथड। प्रॉपर्टीज टैब में जाके ले सकते हो पर पूरा फाइल पाथ नहीं मिलता उसमें, यू विल हैव टू राइट इट डाउन देन। प्रॉपर्टीज वाले में इफ यू गो, यहाँ पे आपको ये जो फाइल पाथ मिल रही है पूरा फाइल पाथ नहीं मिलता ना, लोकेशन, ये पूरा लोकेशन नहीं मिलता आपको। जैसे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो आपको टाइप करना पड़ेगा, आपको पूरा लोकेशन नहीं मिलता है ना, यू विल हैव टू टाइप इसके आगे का। जिनसे नहीं हो रहा वील डू दे कैन डू दिस, ये आपका पूरा फोल्डर है इसमें जाके देन यू कैन अगेन टाइप इट डाउन फॉरवर्ड स्लैश एंड देन द एंटायर थिंग, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू विल गेट। अगर आपका नहीं आ रहा ना ये, दिस इज बिकॉज मे बी मैं बता रही हूँ क्यों आ रही है सब एरर, रुक जाओ भी। सो बेसिकली क्योंकि आपने फॉरवर्ड स्लैश यूज किया, रुक जाओ, ये किया मैंने, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। जिनका फाइल पाथ नहीं आ रहा वो विंडोज आर मेथड यूज करो। क्लिक ऑन कंट्रोल ए,
कंट्रोल सी, ठीक है, एंड देन जस्ट टाइप एंटायर फाइल पाथ यहाँ पे. नाउ वी हैव टू मेक अ फ्यू चेंजेस. आर में ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये रिकॉग्नाइज नहीं होता है, ठीक है. तो या तो आप यूज करोगे, या तो आप यूज करोगे डबल फॉरवर्ड स्लैश या फिर सिंगल बैकवर्ड स्लैश. आर में सिंगल फॉरवर्ड स्लैश रिकॉग्नाइज नहीं होता है, सो आई विल चेंज इट इनटू डबल फॉरवर्ड स्लैश. इट्स अप टू यू, आपको कैसे चेंज, क्या चेंज करना है. इधर बैकवर्ड करना है, सारे को बैकवर्ड कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड दिया हुआ है, सो इट्स बेटर कि मैं सब जगह फॉरवर्ड स्लैश खुद से डाल दूँ. क्लियर क्लियर ये पूरा चीज. एंड देन आफ्टर दिस कॉमा दो, कम टू द नेक्स्ट लाइन, कॉमा दो, कम टू द नेक्स्ट लाइन. अच्छा लेट्स डू वन थिंग, लेट्स इम्पोर्ट इट दिस वे, कुछ भी नहीं करते हैं, लेट्स इम्पोर्ट इट दिस वे, ठीक है. हमने डेमो वन में स्टोर किया है, लेट्स रन दिस. द मोमेंट आई रन दिस, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा डेमो वन, फाइव ऑब्जर्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल्स. तो यहाँ पे फाइव ऑब्जर्वेशंस कैसे आ गए, मेरा तो फोर ऑब्जर्वेशंस था, फाइव ऑब्जर्वेशंस कैसे आ गया. डेमो वन रन करके देखते हैं क्या हुआ. देख रहा वी वन वी टू वी थ्री, यानी कि जो फर्स्ट लाइन था उसने उसको एज अ हेडर नहीं लिया, जो फर्स्ट लाइन था हमारा उसने उसको एज अ हेडर नहीं लिया. हेडर लेने के लिए हमें बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि कैसे हम उसको करें. सो व्हाट वी कैन डू इज कॉमा कॉमा, हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे. हेल्प टैब में जाओ, लिखो रीड डॉट टेबल, लिखो रीड डॉट टेबल. एंड यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे यू विल सी अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. पहला इज फाइल पाथ जो हमने बता दिया है, दूसरा इज हेडर. देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स, यानी कि फर्स्ट लाइन इज नॉट टेकन एज अ हेडर. मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हेडर इक्वल टू ट्रू. क्लियर ये चीज, क्लियर ये चीज. मैं मैकबुक का दिखा दूंगी, डोंट वरी, मैक का मैं दिखा दूंगी, डोंट वरी, बट इट्स एग्जैक्टली द सेम, नथिंग इज डिफरेंट, इट्स एग्जैक्टली द सेम. ट्रू, ठीक है, क्लियर ये वाला चीज, येस और नो, राइट. वंस वी डू दिस, वंस वी डू दिस, आपके यहाँ पे देखो सेपरेटर भी दिया हुआ है. हम यहाँ पे हमारा सेपरेटर टैब था, हम सेप पे क्लिक करके विद इन दिस कोटेशन, देखो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, कुछ भी नहीं है, हमारा टैब है. हम सिंपली एक टैब का ऑप्शन दे सकते हैं, एक्चुअली टैब का ऑप्शन कुछ होता नहीं है, इफ यू क्लिक ऑन टैब तो आपका कुछ होगा नहीं, सो बाय डिफॉल्ट इट्स टैब और स्पेस. क्लियर, तो इसको अब हम अपने रन करते हैं सेपरेटर को. सेपरेटर को अगर आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो लिया हुआ है. अगर कॉमा है, आपका कॉमा भी है अभी भी, तो आपको कॉमा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कॉमा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं, एंड देखो अभी हमारा एकदम परफेक्ट आ गया, क्योंकि हमने हेडर ट्रू कर दिया. जो भी एरर है प्लीज पेस्ट इट इन द चैट बॉक्स. यू कैन यूज द फर्स्ट मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, बट फंक्शन इज इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आप लिख नहीं पाओ. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट द फंक्शन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मैनुअल थिंग. दैट इज अ वार्निंग नॉट अ एरर. इनकम्प्लीट फाइनल लाइन, आपने कुछ यूज करा है, मैं उसके अंदर फाइल में हेड आपका इंपोर्ट तो हो ही गया, आपका वार्निंग आ रहा है ना. हेडर ट्रू करके देखो, हेडर ट्रू करके देखो, एंड ये डेमो वन फिर रन करके देखो क्या हो रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन, जो मेरे साथ कर रहे हैं उनका हो रहा है क्या, जिनका भी हो गया जस्ट राइट यस.
सेपरेटर इधर पे कोई यूज नहीं है, बट अगर आपका टेक्स्ट फाइल में सेपरेटर कॉमा होता है इधर, अगर ये मेरा कॉमा होता है तो मुझे मेंशन करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन एज टैब स्पेस, ये सब बाय डिफॉल्ट ले लिया जाता है सेपरेटर। जो आप वहां पे कर रहे थे ना इम्पोर्ट करे थे तो सेपरेटर में आ रहा था ना कॉमा टैब वाइट स्पेस, ये वही सेपरेटर है। वेरी गुड। ओके वंशिका हो गया आपका? नो मैम। ओके नो इशू, आई विल सी। जिनका भी एरर हो रहा है यू ऑल कैन जस्ट डू वन थिंग, दैट इज मैसेज मी, आई विल सी कि क्या हो रहा है। ठीक है ओके। सो हेडर इक्वल टू ट्रू हमने कर दिया, क्योंकि हमारा पहले क्या हो रहा था, देखो हेडर फॉल्स आ रहा था तो अपने आप ही v1 v2 v3 आ रहे थे, दीज वर द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स, अपने आप जो इन्होंने ले लिया। हमें ये नहीं करना, हमें यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स प्रॉपरली हेडर ट्रू लिखना है। ठीक है सो ओके मुनीश आपका काफी मिस हुआ है, आई विल सजेस्ट कि आप अभी रहने दो, मैं नेक्स्ट मेथड जब कराऊंगी तो उसमें आपका ये वाला मेथड क्लियर हो जाएगा। तो मैंने टेक्स्ट फाइल इम्पोर्ट किया, इन द सेम मैनर आई विल इम्पोर्ट अ सीएसवी फाइल, आई विल शो यू ऑल हाउ टू इम्पोर्ट अ सीएसवी फाइल। ओके अगेन इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मेरा एक सीएसवी फाइल जो मैंने आप लोग को दिखाया स्टोर वाला, इसका अगेन आप फाइल पाथ ले लो, इस बार मैं विंडोज आर करके बताती हूँ, विंडोज आर, एंड आई विल जस्ट हैव टू ड्रैग दिस डाउन यहाँ पे, सिलेक्ट एवरीथिंग, कॉपी, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा तो इसमें भी फर्स्ट मेथड अगर आपको समझना है तो अगेन वी कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट मेथड। अगेन सीएसवी फाइल को भी हम फ्रॉम टेक्स्ट बेस्ड करते हैं, तो फ्रॉम टेक्स्ट बेस्ड लिया मैंने, एंड यहाँ पे आप डेस्कटॉप में, मैंने जहाँ पे भी अपना स्टोर किया, आपने भी जहाँ पे अपना स्टोर किया, यू कैन जस्ट सिंपली गो थ्रू दैट स्मॉल स्टोर सिलेक्ट। अब देखना कैसे, अपने आप जो फर्स्ट पूरा कॉलम हेडिंग है दैट इज ऑटोमेटिकली, हेडिंग इज ऑटोमेटिकली ट्रू, ये पूरा प्रिव्यू है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेपरेटर अपने आप कॉमा है क्योंकि ऑब्वियसली सीएसवी फाइल है तो कॉमा रहेगा, एंड कुछ भी और मुझे चेंज करने का जरूरत नहीं है। देख लो कुछ भी और मुझे चेंज करने का जरूरत नहीं है, आई विल जस्ट क्लिक ऑन इम्पोर्ट। यहाँ पे आपको अगर नाम चेंज करना है सो यू कैन गिव दिस अ नेम एज स्टोर, जस्ट सिंपल स्टोर। आपके पास CSV फाइल नहीं है आई नो, सो जस्ट सी अभी के लिए, एंड देन आई विल अपलोड अ CSV फाइल इन द ड्राइव, यू कैन ट्राई दिस आफ्टर द क्लास, राइट। अभी आपके पास अगर CSV फाइल नहीं है डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, यू कैन ट्राई इट लेटर ऑन। अभी आप जस्ट इफ यू सी द स्टेप्स यू विल बी एबल टू डू इट, इट्स द सेम, इट्स एग्जैक्टली द सेम, इट्स वेरी सिंपल। क्लिक ऑन इम्पोर्ट, देखो ये आपका आ गया, ठीक है, व्यू स्टोर। अब सेम चीज के लिए अपने हम देखो रीड डॉट सीएसवी जो अपने को चाहिए, एंड सेम अब अपने क्या करते हैं यहाँ पे फाइल पूरा कोड लिखने का ट्राई करते हैं। इट्स वेरी सिंपल अगेन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टोर, मैं नाम दे दूंगी रीड डॉट सीएसवी। read.csv में याद रखना आप लोग को सेपरेटर देने का जरूरत है क्या, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कॉमा सेपरेटेड रहेगा। देखो बाय डिफॉल्ट वो read.csv में बाय डिफॉल्ट क्या है, सेपरेटर कॉमा, ये बाय डिफॉल्ट है ना इधर वाला, यस और नो, ये डिफॉल्ट वाला आर्ग्यूमेंट है ना जो दिया हुआ है इधर, बाय डिफॉल्ट क्या है, कॉमा है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने दे देंगे फाइल पाथ, सबसे पहले तो अपने दे देंगे फाइल पाथ। तो फाइल पाथ मैंने कॉपी कर लिया था, पेस्ट करते हैं। अच्छा मैंने वापस से कॉपी पेस्ट, एंड देन अगेन आई विल गिव ऑल दोस, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश यूज करते हैं, चलो थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए। ठीक है रन करें, रन किया हमने, अब इसको व्यू करते हैं, कैपिटल वी
view store. परफेक्ट. अगेन मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हेडर ट्रू है, देख लो बाय डिफॉल्ट हेडर ट्रू है. क्यों है ऐसा? लॉजिकली समझते हैं, क्योंकि जनरली सीएसवी और एक्सेल फाइल्स में क्या होता है, जो हेडर हम लोग हमेशा देते हैं, सीएसवी एक्सेल फाइल ये सब में क्या होता है, जब हम पूरा टेबल बनाते हैं तो हम हेडर हमेशा देते हैं. टेक्स्ट फाइल में हेडर जरूरी नहीं कि हम दें, इसीलिए उसमें रीड डॉट टेबल में हेडर क्या था, फॉल्स. बट यहाँ पे हेडर ट्रू है. क्यों हेडर ट्रू है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमेशा लॉजिकली जब भी कोई सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल बनाते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग क्या देते हैं, हेडर देते हैं, राइट. इसीलिए ये ट्रू लिया हुआ है बाय डिफॉल्ट. यहाँ पे फॉल्स लिया हुआ था क्योंकि टेक्स्ट फाइल में जरूरी नहीं कि हम हमेशा हेडर दें. क्लियर है? ठीक है. जिन लोग भी ट्राई करें, ये वाला मे बी आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग के पास अभी सीएसवी फाइल नहीं है. आई विल सेंड द सीएसवी फाइल, आई विल अपलोड इट इन द ड्राइव एंड देन यू ऑल कैन गो थ्रू दिस. बट दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. बाय डिफॉल्ट ऑल ऑफ दीज आर सेटेड, तो आप लोग को सेट करने का जरूरत नहीं. लास्ट एक्सेल फाइल इम्पोर्ट करते हैं. नाउ एक्सेल फाइल इज समथिंग जो हम लोग जनरली इम्पोर्ट नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे. जनरली वी यूज टेक्स्ट फाइल एंड सीएसवी फाइल्स ओनली. एक्सेल फाइल में जनरली डेटा हमें मिलता नहीं है. इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और सीएसवी. नाउ एक्सेल फाइल को इम्पोर्ट करना इज अ लिटिल ट्रिकी दैन दिस. आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल, अगर आप उसको नहीं प्रैक्टिस करो तो चलेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज सेक जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ. अगेन हमें इवन आई हैव यू नो डेल्ट विद अ लॉट ऑफ डेटा एंड ऑल, बट मैंने कभी एक्सेल फाइल से एज सच आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने इम्पोर्ट किया है. आई हैव ऑलवेज इम्पोर्टेड इट फ्रॉम अ सीएसवी फाइल और मे बी समटाइम्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, बट जनरली इट्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सीएसवी एंड इट्स वेरी सिंपल टू इम्पोर्ट. यू जस्ट हैव टू राइट रीड डॉट सीएसवी. ठीक है. ओके. नाउ टू इम्पोर्ट एक्सेल फाइल आप लोग को कुछ पैकेजेस चाहिए होते हैं. एंड वॉट आर दीज पैकेजेस? ओपन एक्सेल एस एक्स, रीड एक्सेल एक्सेल एस एक्स, ये सारे कुछ पैकेजेस हैं जो आप लोग को चाहिए टू इम्पोर्ट अ एक्सेल फाइल. तो ये हम अपने लैपटॉप में कैसे, आर में कैसे इंस्टॉल करेंगे? इंस्टॉल डॉट पैकेजेस इज द फंक्शन का नेम. और वॉट यू कैन डू, पैकेजेस में जाओ, यहाँ इंस्टॉल में जाओ, राइट द नेम ऑफ द फंक्शन पैकेज यहाँ पे जो आपको इम्पोर्ट करना है. ओके. क्या करना है? पैकेजेस में जाओ, इंस्टॉल में क्लिक करो एंड राइट द नेम ऑफ द पैकेज. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. आई विल टाइप द फंक्शन इंस्टॉल डॉट पैकेजेस एंड विद इन ब्रैकेट्स आई विल राइट, विद इन कोट्स आई विल राइट ओपन एक्सेल एस एक्स. इसको इंस्टॉल कर लेते हैं. इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल. ठीक है, इंस्टॉल हो गया. इंस्टॉल हो गया. पैकेजेस में जाओ, टाइप करो ओपन एक्सेल एस एक्स. देख लो इंस्टॉल हो गया, मैंने लोड कर लिया. या तो आप इस पे डायरेक्टली टिक करो या तो आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखो, लाइब्रेरी ओपन एक्सेल एस एक्स. मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल, सेकेंड स्टेप इज टू लोड. क्लियर है पैकेज को कैसे इंस्टॉल लोड करते हैं? नाउ आफ्टर दिस वी विल इम्पोर्ट. अब इसके लिए हम लोग कोड नहीं लिखना सीखेंगे, इसके लिए वी विल यूज द मैनुअल अप्रोच. कोड आपका ऑलरेडी कंसोल में आ जाएगा तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो. कोड भी सिंपल है, रीड डॉट एक्सेल एस एक्स है. जैसे रीड डॉट टेबल था, रीड डॉट, तो यहाँ पे रीड डॉट एक्सेल या फिर रीड डॉट एक्सेल एस एक्स आता है फंक्शन में. सो वी विल जस्ट, लेट मी सिलेक्ट एक्सेल फाइल फर्स्ट फॉर यू ऑल. I think I haven't created one, so I will just quickly create an Excel file. MacBook users, you can try this, क्योंकि आपके में ये भी, ये तो एकदम सेम आएगा, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा. नेम विंडो मैं क्विकली बना ले रही हूँ. नेम में दे देती हूँ जो भी मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं सबका ले देती हूँ नाम. ओके. सो आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ स्मॉल डेटा फ्रेम काइंड ऑफ अ थिंग. यहाँ पे देख लो, अगेन आई हैव गिवन अ कॉलम हेडिंग, सेव कर दिया मैंने इसको.
दिस इज द न्यू माइक्रोसॉफ्ट फाइल, इसको हम थोड़ा रीनेम कर देते हैं, इसको हम थोड़ा रीनेम कर देते हैं डेमो फाइल, या फिर मैं दे देती हूँ अगेन डीएफ, ठीक है, एक्सेल फाइल डीएफ, इसको इंपोर्ट करने का कोशिश करो। चलो अब इंपोर्ट डेटा सेट, नाउ वी विल सिलेक्ट फ्रॉम एक्सेल, वी विल सिलेक्ट फ्रॉम एक्सेल, ठीक है। नाउ नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल ब्राउज द फाइल, वी विल ब्राउज द फाइल, जहां पे भी आपका फाइल है उसको ब्राउज कर लो क्विकली। ये मेरा फाइल था जो मैंने अभी डीएफ क्रिएट करा, ओपन। यहाँ पे देखो कोड लिखा हुआ आ रहा है, लाइब्रेरी डीएफ में क्या आ रहा है, रीड एक्सेल इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ये पूरा आपका फाइल पाथ है, व्यू डीएफ, एंड ये मेरा डेटा प्रिव्यू है। एकदम सही है, एकदम सही है, क्लिक ऑन इंपोर्ट। हाँ तो आपने, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ओपन एक्सेल एस एक्स, ओपन एक्सेल एस एक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले वंशिका, मैंने बोला ना इधर, इसीलिए ये मैंने इंस्टॉल कराया था ना ओपन एक्सेल एस एक्स, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये दोनों कोड आपको पहले पास करना पड़ेगा। सी इट हैज बीन इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं खाली एक बार व्यू डीएफ देख लेती हूँ, सक्सेसफुली इम्पोर्टेड एक्सेल फाइल क्योर। ठीक है, तो ये तीन फाइल्स जनरली हमेशा आप देखोगे कि आप एक सीएसवी फाइल को ही इंपोर्ट कर रहे हो, हार्डली यू विल सी कि आप एक एक्सेल या फिर टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल फिर भी हम काफी बार यूज कर लेते हैं, बट एक्सेल फाइल यू नेवर यूज, बिकॉज यू नेवर गेट एनी डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल। एक्सेल इज जनरली ठीक है, आप डेटा को यूज करते, मैनिपुलेट करते, काफी कुछ करते हैं उसमें, बट स्टोर कभी एक्सेल के फॉर्मेट में हम नहीं करते हैं, वी जनरली स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ सीएसवी और टेक्स्ट। क्लियर? हाँ तो उसको वापस से आपको वो करना पड़ेगा इंस्टॉल, आप ओपन एक्सेल एस एक्स को वापस से इंस्टॉल करो, लेट इट टेक सम टाइम, इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, यू पास दिस टू कमांड्स, लेट इट टेक सम टाइम, तो आपका हो जाएगा। देन यू हैव टू इम्पोर्ट दिस ऑल्सो रीड एक्सेल पैकेज, ये सब इम्प्रूव, मैं एक दो और पैकेज का नाम बता रही हूँ जो आपको जरूरत पड़ सकता है फॉर योर रीड एक्सेल, एक होता है ठीक है, एक होता है एक्सेल एक्सेस एस एक्स, ये वाला ये होता है, तो ये सारा आप लोग को फिर करना पड़ेगा पैकेजेस इंस्टॉल, ठीक है, ये वाला पैकेजेस इंस्टॉल कर लो, रीड एक्सेल कर लो, दिस इज द मेन आई थिंक जो आपको करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज।
ओके तो अभी चाय किया सबने? अभी चाय किया क्या सबने? किससे नहीं हो रहा अभी भी? मैम आई इंस्टॉल्ड इट राइट नाउ। खुशी खुशी आपने बाकी पैकेजेस भी इंस्टॉल किया? यू कैन ट्राई दिस एट योर ओन टाइम। अगर नहीं होता है मुझे मैसेज करो, आई विल टेक अ क्लास एंड आई विल सॉल्व इट। कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव अहेड। दीज आर द थ्री वेज, दीज आर द थ्री डिफरेंट फाइल्स विच यूल इम्पोर्ट। एक हो गया आपका टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल एंड सी एस वी, मोस्टली सी एस वी एंड टेक्स्ट करेंगे। दो मेथड मैंने बताया, इम्पोर्ट डेटा सेट में से करो या फिर यू कैन टाइप द एंटायर फंक्शन। क्लियर? एंड बैकवर्ड स्लैश स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश का ध्यान रखना, क्योंकि एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश में एरर आते हैं। सो यू हैव टू यूज टू फॉरवर्ड स्लैश और यू हैव टू यूज वन सिंगल बैकवर्ड स्लैश। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। जस्ट 10-15 मिनट्स मोर, दो मुझे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इम्पोर्ट करना सीखा, नाउ वी लर्न टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट उतना ज्यादा हैवी नहीं है जितना अगर आपको इम्पोर्ट लग रहा है। एंड एक्सपोर्टिंग इज वन थिंग जो हम लोग बहुत रेयरली यूज करने वाले हैं। दिस इज वेरी सिंपल। इम्पोर्टिंग में जितना टाइम लगा, एक्सपोर्टिंग में वी जस्ट टेक 5 मिनट्स। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तीन चार मेथड है। सबसे पहला तो है राइट क्लिपबोर्ड मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जनरली यूज नहीं करते। दिस इज ओनली फॉर सिंपल डेटा। इसमें हम खाली कैरेक्टर वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अब आप एक्सपोर्ट कब करते हो? आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सी एस वी, एक्सेल, ये सब में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वी विल जस्ट लर्न ये तीन बेसिक मेथड हम सीखेंगे। ठीक है, खाली हम ये तीन बेसिक मेथड सीखेंगे एंड इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहला है राइट क्लिपबोर्ड। इसमें क्या होता है ना, जैसे आप अपने एक्सेल में या कहीं भी अपने पूरे लैपटॉप पे जब कंट्रोल सी प्लस प्रेस करते हो, कॉपी करते हो, जो आप चीज कॉपी करते हो वो टेम्पररी कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? एक क्लिपबोर्ड बोल के हमारा चीज होता है, रैम होता है, टेम्पररी रैम होता है, वहां पे स्टोर हो जाते हैं। राइट राइट इज इट क्लियर? वहां पे स्टोर हो जाते हैं। सो सिमिलरली हम एंड देन आप उसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। पहला मेथड इज वेरी सिंपल मेथड। तो इसमें एक वेक्टर बना लेते हैं वी, वेक्टर बना लेते हैं वी, एक न्यूमेरिक वेक्टर मैं बनाती हूँ वी वन, एक कैरेक्टर वेक्टर मैं बनाती हूँ। ठीक है, कैरेक्टर वेक्टर बनाती हूँ। क्लियर? अब देखना इसको हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। जस्ट राइट राइट अच्छा, जब आप इंपोर्ट करते हो आपका कमांड होता है रीड, रीड डॉट टेबल, रीड डॉट सी एस वी, रीड। आप रीड कर रहे हो अपने कोई फाइल को इन योर आर प्रोग्रामिंग। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप राइट कर रहे हो, यू आर एक्सपोर्टिंग, यू आर राइटिंग समथिंग टू अदर सॉफ्टवेयर। तो आपका कोड होता है राइट डॉट सी एस वी, राइट डॉट टेबल, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिपबोर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है, राइट क्लिपबोर्ड, इसके अंदर अपने पास कर देते हैं ऑब्जेक्ट वी। यू जस्ट हैव टू पास द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज वी। वी वन करो अभी के लिए, वेक्टर ऑब्जेक्ट ही कर सकते हैं। इसको रन करो। द मोमेंट यू रन दिस कुछ होगा नहीं यहाँ पे, यू विल नॉट सी एनी चेंज, बट आपके क्लिपबोर्ड में ये वी वन कॉपी हो गया। अब जाओ अपने कहीं पे भी, लेट्स ओपन अ टेक्स्ट फाइल, ये हमारा जो टेक्स्ट फाइल था, एंड इसमें कहीं पे भी एक्सेल टेक्स्ट फाइल कुछ भी खोल लो एंड इसमें पेस्ट करो। द मोमेंट यू क्लिक ऑन कंट्रोल वी तो आपका देखो एस बी एच पेस्ट हो गया, यही था एस बी एच, यस और नो? सो इट्स दैट सिंपल, दैट्स इट, हो गया। अब अगर मैं वी करूं खाली, एरर, इट मस्ट बी अ कैरेक्टर वेक्टर और अ रॉ वेक्टर। व्हाट्स अ रॉ वेक्टर? रॉ वेक्टर इज एक्चुअली समथिंग विच यू नॉट, जैसे कि आपको वो पता है बाइनरी नंबर्स होते हैं 0101, जो कोडिंग होता है वो बाइनरी कोडिंग होता है 01, इट्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, रॉ वेक्टर इट्स 01 समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर वेक्टर को ही खाली कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। नाउ टू टेक्स्ट, अब आपको टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट करना है। दिस इज वेरी सिंपल, टेक्स्ट और सीएसवी साथ में लेते हैं।
यहाँ पे ना टू एक्सपोर्ट इट टू सी एस वी और टेक्स्ट आप लिखते हो रीड डॉट राइट डॉट सी एस वी राइट डॉट टेबल, जैसे वहां पे रीड डॉट टेबल रीड डॉट सी एस वी था, यहाँ पे ये है। अब इसके आर्ग्यूमेंट्स देखो बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट यू गिव द ऑब्जेक्ट नेम, हमारा ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाओगे ऑब्जेक्ट वो आपको यहाँ पे देना है। देन द फाइल नेम, अब आपका एक फाइल क्रिएट होगा ना, आप टेक्स्ट में एक्सपोर्ट करोगे तो आपका एक अलग से फाइल क्रिएट होगा, या फिर अब आपका एक एक्सेल फाइल सीएसवी फाइल क्रिएट होगा। सो गिव द नेम, गिव द नेम ऑफ द फाइल यू वॉन्ट टू गिव, एंड देन कोल डॉट नेम्स फॉल्स चाहिए, ये सब आपका सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट्स है। क्विकली रीड डॉट टेबल कर राइट डॉट टेबल कर लेते हैं, राइट डॉट टेबल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। राइट डॉट टेबल ऑब्जेक्ट मैं दे देती हूँ वी वन अभी के लिए, ठीक है वी वन। लेट्स एक्सपोर्ट अ डेटा फ्रेम, एक डेटा फ्रेम ले लो, यहाँ से हमने काफी डेटा फ्रेम निकाला था ना, एक डेमो वन जो निकाला था, डेमो वन वाला ले लेते। देखो डेमो वन ये था हमारा डेटा फ्रेम, डेमो वन को एक्सपोर्ट करते हैं। चलो डेमो वन इज द ऑब्जेक्ट, देन यू गिव द फाइल नेम एंड विद इन द कोटेशंस। अब आते एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे समझाना है, फाइल नेम जब आप दे रहे हो इधर, ठीक है, तो वो सपोज हम देते हैं डेमो, डेमो ही देते हैं, खाली डेमो लिखते हैं। चलो फाइल नेम खाली डेमो लिखते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एक्सपोर्ट, लेट्स ट्राई टू अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट एरर इन राइट डॉट टेबल अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट, ये फाइल नेम आई थिंक इट्स नॉट फाइल नेम इट्स फाइल, आर्ग्यूमेंट का नाम क्या था राइट डॉट टेबल, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास समझेंगे, अभी आपका दिमाग थोड़ा वो चुका है, सो नेक्स्ट क्लास फ्रेशली मैं समझाऊंगी क्या होता है। देर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्किंग डायरेक्टरी, जहां पे हमारा आर का बाई डिफॉल्ट सब कुछ स्टोर होता है। ये जो मैंने दिखाया था ना आपको हिस्ट्री टैब, ये वाला जो पूरा चीज है, ये एनवायरनमेंट, ये सारा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। सो देयर इज अ वर्किंग डायरेक्टरी, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। बट आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? देयर इज अ फंक्शन टू गेट द वर्किंग डायरेक्टरी, देयर इज अ फंक्शन जो आपको लिखना पड़ेगा विच इज गेट डब्ल्यू डी, गेट डब्ल्यू डी, जस्ट गेट डब्ल्यू डी, गेट वर्किंग डायरेक्टरी, इसको रन किया। नाउ दिस इज माय वर्किंग डायरेक्टरी, यूजर्स लेनोवो वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है। जनरली जनरली इट इज द डॉक्यूमेंट्स विच इज टेकन एज अ वर्किंग डायरेक्टरी। क्लियर? तो यहाँ जाते हैं, ये पक्का यहाँ पे एक डेमो फाइल बना होगा, इसका मतलब वर्किंग डायरेक्टरी में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, कहाँ है मेरा डॉक्यूमेंट्स, वन ड्राइव, देखो डॉक्यूमेंट्स में देखना, ये मैंने पहले बना रखा था, यहाँ पे डेमो आया जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया है, बट ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसको ओपन करते हैं। ये आपसे पूछ रहे कि आपको कैसे खोलना है अपने फाइल को, एज अ नोट पैड, एज ऑल ऑफ दीज, क्यों पूछ रहा है ये? क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन नहीं दिया। हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, टेक्स्ट फाइल का डॉट टी एक्स टी, सी एस वी का डॉट सी एस वी, एक्सेल फाइल का डॉट एक्सएल एस एक्स, तो यहाँ पे मुझे एक एक्सटेंशन देना पड़ेगा डॉट टी एक्स टी। अब इसको वापस से करें, अब जाके देखते हैं, देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों में, इसको ओपन करो, हो गया ओपन। अब देखना यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस जो हमें आर्ग्यूमेंट्स यूज करके करना है, ये जो कोट्स आ रहे हैं ये हमें नहीं चाहिए, ये कोट्स हमें नहीं चाहिए, इस कोट्स को हम कैसे हटाएंगे, इस कोट्स को हम कैसे हटाएंगे, वील हैव टू राइट कॉमा। देखना आपका क्या दिया हुआ है, कोट बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रू है, बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तो इसको फॉल्स कर दो। अगेन आई डोंट थिंक आप लोग इसको कभी भी
यूज करने वाले हो ये सब मतलब इन कमिंग क्लासेस, बट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि आप कब एक्सपोर्ट करते हो, कैसे एक्सपोर्ट करते हो. सॉरी, एक दो और चेंज साथ में कर लेते हैं. सबसे पहली बात तो ये कोट्स हट जाएगा. अब ये जो रो नंबर्स आ रहे हैं ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये जो रो नंबर्स आ रहे हैं ये भी मुझे नहीं चाहिए. तो उसके लिए मैं लिखूंगी यहाँ पे रो नेम्स बाय डिफॉल्ट ट्रू है, इसको भी फॉल्स करेंगे. कॉलम नेम्स फॉल्स नहीं करेंगे क्योंकि कॉलम नेम्स हमें चाहिए. इसको रन करते हैं. रन किया, चलो ये फाइल एक्चुअली अपडेट, देखो ये अपडेट नहीं हुआ, इसको एक्चुअली आपको क्लोज करके फिर से रन करना पड़ेगा. अगर फाइल ओपन है, इफ द फाइल इज ओपन तो वो अपडेट नहीं होता है. इफ द फाइल इज ओपन तो वो अपडेट नहीं होता है. इसको खोलते हैं. आया सही से, कोड्स हट गया एंड हमारे नंबर्स भी हट गए. क्लियर है एवरीवन? सो इट्स दैट इजी. सेम एग्जैक्ट सेम इज टू CSV फाइल, कुछ नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है. अब आपको आ गए, बस आपको अब क्या करना है उसको इम्प्लीमेंट, दैट्स इट. जस्ट हैव टू राइट डॉट CSV. MO1 हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इफ द फाइल एज डेमो डेमो डॉट CSV. चलो देखते हैं. CSV फाइल आया. अगेन कोट्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं आते हैं क्योंकि राइट डॉट टेबल में, राइट डॉट CSV में कोट्स फॉल्स है बाय डिफॉल्ट. ये रो नंबर्स आ गए, ये मुझे कैसे हटाने? रो नेम्स फॉल्स करके क्रॉस करते हैं, वापस से रन करते हैं कोड. यहाँ पे देखना राइट डॉट CSV में इट्स ऑलमोस्ट द सेम, जस्ट दैट इन्होंने यहाँ पे हमें खाली रो नेम्स फॉल्स करने पड़ेंगे. चलो आ जाओ. क्लियर है? रो नेम्स हट गया. दैट्स इट, दैट्स इट, दैट इज सिंपल. दिस इज हाउ सिंपल यू कैन एक्सपोर्ट योर फाइल्स. राइट डॉट राइट क्लिपबोर्ड इज जस्ट फॉर वेक्टर्स, डेटा फ्रेम्स नहीं, ओनली फॉर कैरेक्टर वेक्टर्स. राइट डॉट टेबल इज फॉर एक्सपोर्टिंग टू अ टेक्स्ट फाइल. अब अगर आप यहाँ पे डॉट CSV लिखते, डॉट CSV लिखते फॉर एग्जाम्पल, तो वो CSV फाइल में ही एक्सपोर्ट होता. क्लियर है ये चीज? अगर आप CSV लिखते डॉट CSV तो CSV में ही एक्सपोर्ट होता. बट ठीक है, हम चीज को सिंपल रखते हैं. राइट डॉट टेबल है तो यहाँ पे डॉट TXT करते हैं. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे थे तो इट वॉज आस्किंग यू कि आपको एज अ टेक्स्ट खोलना है, एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है, क्या खोलना है. ठीक है, क्योंकि आपने कोई फाइल पाथ फाइल एक्सटेंशन नहीं दिया था. हमने देखा कि हम वर्किंग डायरेक्टरी कैसे लाते हैं, वी टॉक अबाउट इट मोर इन द नेक्स्ट क्लास. राइट डॉट CSV में देखो क्या होता है. यू अगेन जस्ट गिव द फाइल नेम एज डॉट CSV एक्सटेंशन. किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पे? यस खुशी. मैम, यहाँ पे जो रो नेम्स और कॉलम नेम्स वाला फंक्शन है उसमें हम बीच में जैसे रो डॉट नेम्स क्यों लिख रहे हैं? पहले तो सिर्फ रो नेम्स लिख रहे थे, डॉट नहीं था बीच में. सी, इट डिपेंड्स, यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि आपने खुद ने वैसा बनाया. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रो डॉट नेम्स, कॉल डॉट नेम्स. आई कैन नॉट क्वेश्चन द पर्सन हु हैज मेड दिस फंक्शन कि आपने इधर क्यों डॉट दिया. इसीलिए हेल्प टैब हम यूज करते हैं ताकि वी कैन जस्ट सर्च फॉर द फंक्शन एंड उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा कैसा आर्ग्यूमेंट्स है. ये आर्ग्यूमेंट ही ऐसा बनाया है. यू कैन नॉट क्वेश्चन, जैसे आई कैन नॉट क्वेश्चन राइट डॉट टेबल क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, एक्सपोर्ट टेबल क्यों नहीं है फंक्शन का नाम. सो इट्स लाइक दैट, यू कैन नॉट क्वेश्चन द फंक्शन, यू कैन नॉट क्वेश्चन. जैसे मैंने यहाँ पे जब हम लोग लास्ट टाइम फंक्शन बना रहे थे यूजर डिफाइंड, सो इट्स अप टू मी ना आप कैसे बनाओ. तो मैं ऐसे बना रही थी x कॉमा y, मैं y को डिफॉल्ट वैल्यू 2 ले रही थी. यू कैन नॉट क्वेश्चन दोस थिंग्स.
ओके, तो कोई भी डाउट आ रहा है किसी को? अगर आपका एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तो आई थिंक हो गया होगा सबका, इट्स इजी. और इम्पोर्ट में अगर किसी को भी दिक्कत आ रहा है, डू वन थिंग, मैसेज मी, आई विल टेक ऑल दोज डाउट्स. ठीक है, आई विल अपलोड द CSV एंड द टेक्स्ट फाइल फॉर यू ऑल टू यूज, एंड आप लोग उसको इम्पोर्ट करने का ट्राई कर सकते हो. यस विवेक. मैम इन राइट डॉट टेबल द फाइल वाले में द फर्स्ट स्टेटमेंट गिव्स एन एरर इन केस ऑफ द फाइल वन और इज इट करेक्ट? दिस वन, यस मैम. नो इट्स करेक्ट. देखो मैं इसको रन करती हूँ, इट्स करेक्ट. यहाँ पे जाते हैं, देखो एक डेमो बोल के यहाँ पे एक हमारा जो फाइल बना है ये ऐसा बनेगा. एक्चुअली इसमें कोई एक्सटेंशन हमने नहीं दिया ना, तो ये टेक्स्ट फाइल भी नहीं है, CSV भी नहीं. तो जब आप इसको ओपन करने जाओगे, ये आपसे पूछेगा कि आपको ये कैसे खोलना है इस फाइल को, तब बोलो कि आपको एज अ नोटपैड खोलना है. ओके, क्लियर? तो इट नॉट गिव यू एनी एरर. हमने जैसे दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, वो अगर हम लोग डायरेक्टली सिर्फ सेकंड वाला लिखते तो भी तो हम ये लोग का वाला, हो. हाँ 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 मैंने ये दिखाने के लिए बताया कि हमें फाइल पाथ देना पड़ता है, एक्सटेंशन देना पड़ता है, फाइल एक्सटेंशन. और वैसे CSV वाले में भी. हाँ थैंक यू. यस खुशी. मैम मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी तो एक मैंने आर्ग्यूमेंट लिखा था कि कोल नेम्स इज इक्वल टू NA, एंड फिर जब मैंने रो नेम्स उसके साथ फॉल्स किया तो मेरा एक एरर आ रहा था कि कोल नेम्स NA मेक्स नो सेंस व्हेन रो नेम्स इज फॉल्स. मैम इसका मतलब एक बार बस आप बता दोगी ये एरर का मतलब? सी ऑल दोज थिंग्स व्हाई आई डिडंट डू बिकॉज दोज मेक्स नो, यहाँ पे उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा. अगर मैं करूँ सपोज, देखो जो खुशी पूछ रही है, यहाँ पे जब मैंने टेक्स्ट फाइल एक्सपोर्ट करा था, ठीक है, ये वाला जो मैंने टेक्स्ट फाइल एक्सपोर्ट करा था, यहाँ पे कॉलम नेम्स अगर मैं कुछ लिखूँ, सपोज फॉल्स लिख देती हूँ, कॉलम नेम्स अगर मैं फॉल्स लिख देती हूँ इधर, एंड इसको रन करते हैं. अच्छा मुझे ये क्लोज करना पड़ेगा पहले, तो ये मैं फॉल्स लिख के रन कर रही हूँ. अब इसका देखते हैं जाके, देखो कॉलम नेम्स हट गया, क्लियर? फॉल्स लिखा था मैंने, हट गया, राइट? नेक्स्ट थिंग समझो, ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं इसको NA कर दूं, व्हाट डू यू मीन बाय NA? व्हाट डू यू मीन बाय NA? सॉरी एक बार रो नेम्स हटाते हैं. अगेन दीज आर एक्चुअली नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं, ये हम कभी करते ही नहीं है. सम थिंग्स डोंट यू नो मेक सेंस. तो इसको अभी अपने रन करते हैं, फिर से मैंने टेक्स्ट फाइल बंद नहीं किया, टेक्स्ट फाइल पहले तो बंद करते हैं, अब इसको रन करते हैं, एंड देन लेट अस ओपन द डेमो अगेन. देखो हुआ क्या है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, मैंने किया क्या है. देखो मैंने यहाँ पे कोड फॉल्स किया है, तो इसीलिए कोड्स नहीं आ रहे. मैंने कोल डॉट नेम्स NA किया है ना, कोल डॉट नेम्स NA जब मैंने किया, अगर मैं NA नहीं करती तो ये जो नेम है ना ये वन के ऊपर आता, समझ रहे हो? वापस से बिना NA रन किए देखो, पहले बिना NA रन किए देखते हैं. पहले बिना, ओहो रुक जाओ, मेरे को क्या किया, जस्ट वन सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन. इसको कर देते हैं कुछ भी नहीं, चलो ऐसे ही रन करते हैं. लेट अस जस्ट रन इट दिस वे, एकदम सिंपल, खाली कोड फॉल्स, यानी कि मेरा रो नेम्स भी आएगा, कॉलम नेम्स भी आएगा. कॉलम नेम्स आ रहे हैं, रो नेम्स आ रहे हैं, बट ये जो नेम है ये किसके ऊपर आ रहे हैं? वन के ऊपर आ रहे हैं ना, इसके ऊपर आ रहे हैं, इस कॉलम के ऊपर आ रहे हैं. मुझे ये इसके ऊपर नहीं चाहिए, रिता यहाँ से चाहिए, इसके ऊपर से चाहिए. तो इस केस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पोल डॉट नेम्स NA. NA लिखने का मतलब है
एनए लिखने का मतलब है कि पहले वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट वाले कॉलम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड कॉलम से एप्लीकेबल होगा, राइट। तो इसको वापस से अपने रन करते हैं एंड देन लेट अस ओपन इट ओवर हियर। अब देखो ये स्पेस दिख रहा है इधर, बट अगर खुशी इफ यू रिमूव द कॉलम्स, इफ यू रिमूव दिस फर्स्ट इंटायर कॉलम, मतलब अगर आप रो नेम्स फॉल्स कर दोगे तो उसके साथ कोल डॉट नेम्स एने डालने का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। Yes, क्योंकि वो फॉल्स, नाउ यू अंडरस्टूड, ग्रेट। इसीलिए ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी जनरली डोंट डू, हम लोग सिंपली कोल रो डॉट नेम्स को फॉल्स कर देते। क्लियर है सबको ये चीज? चलो गुड, एनी मोर डाउट्स? तो एक था, अगर आप लोग को आज की क्लास में जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास आई विल टेक, बट अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है यू कैन मैसेज मी, ओनली फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आई विल टेक अप दैट थिंग पर्सनली, या फिर अगर सबको हो रहा है तो उसका मैं क्लास लूंगी। मोस्टली आई थिंक मैक यूजर्स को हो रहा होगा, सो आई विल प्रिपेयर अ क्लास फॉर इट इफ पॉसिबल, बिकॉज करेंटली आई डोंट हैव एनी मैकबुक विथ माई सेल्फ कि मैं आपको दिखा पाऊँ, बट आई विल मेक, I will try to figure out something and do. But abhi ke liye, do all of these things. Try doing all of these things. Khud se practice karo. I will upload the PPT. I will upload these CSV and text files for you all to use, import and export. Baki main cheez is user-defined functions humne kiya. From coming class, from the next class, kuch ek important features jo hum mujhe samjhane hai about working directory and all of those. And then नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, आप लोग को इतना ऐसा आप लोग टुवर्ड्स एंड बोर नहीं होगे। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शंस बताने वाली हूँ एंड वी लर्न प्लॉटिंग इन आर, थोड़ा प्लॉट्स बनाना हम सीखेंगे, ठीक है? ओके, एनी मोर डाउट्स? टुमारो इज मे बी द क्लास आई विल कीप, आई विल लेट यू नो द टाइमिंग, मे बी इन इवनिंग और इन मॉर्निंग मैं टाइमिंग आप लोग को बता दूंगी। आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज वी कैन एंड टुडे सेशन। ऐसे करके कोई फायदा नहीं है, we'll do it, कोई डाउट छूटेगा नहीं, so don't worry about it. अनमोल ने लिखा है, हाँ ये फंक्शन तो हमने करा था, ये तो मैंने लिखवाया था आप लोगों को। चलो ओके, सो दैट्स इट, बाय एवरीवन, प्लीज सॉल्व ऑल ऑफ दीज, ट्राई टू प्रैक्टिस एंड नेक्स्ट क्लास आई विल लेट यू नो द टाइम।